तो अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको, और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी की मूवी 4 को कवर करने वाले हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चिल्लाए के घायल होने के बाद बिजरकर बुली क्या करता है। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमी एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, और इसके क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। पुरानी मूवीज़ के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इस पार्ट को देखने से पहले आप पुराने पार्ट्स भी देख सकते हैं ताकि आप स्टोरी से कैचअप कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें अपने मूवी पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डोला एक एनर्जी स्वॉर्ड बना के चिल्लाए को मार देता है, जिसके बाद बुली अपना आपा खो देता है। और इसके बाद हम डीमन रेल में आते हैं, वहाँ पर हम बू को बैठे हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि बू के चारों तरफ कैंडीज और स्वीट्स होती हैं, और बू बैठकर इन चीज़ों को खा रहा होता है। माजिन बू को डीमन रेल में फंसे हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं, और करीब 6 महीने हो गए हैं ग्रैंड प्रीस्ट को यूनिवर्स जीरो को जमाए हुए और उनकी अनाउंसमेंट के बाद। बू को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे यूनिवर्स 7 में वापस कैसे लौटना है, इसीलिए इस वक्त बू के पास समय बर्बाद करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, और इसीलिए वो आराम से बैठकर सिर्फ खाना खा रहा है। अचानक से ही बू हिलता है और एकदम से खुशी के मारे उछलता है। वो बोलता है कि ये जगह तो स्वर्ग है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो कैंडीज के ऊपर लेट जाता है, तभी अचानक से ही बू का ध्यान किसी चीज़ पर जाता है। इतनी सारी कैंडीज और स्वीट्स के बीच हमें एकदम से एक मशीन दिखती है, ये वही मशीन है जिसकी वजह से बू यहाँ पर पहुँचा है। पिछली बारी बू ने इस मशीन को खाने की चीज़ समझ के खा लिया था, जिसके बाद वो डीमन रेल में पहुंच गया। बू जैसे ही इस मशीन को देखता है एकदम से वो पहचान जाता है और उठकर बैठ जाता है। वो बोलता है कि ये तो वही मशीन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे अभी भी ये नहीं पता कि ये क्या है और आखिर सेटन कहाँ पर है। जैसे ही बू मिस्टर सेटन को याद करता है, हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आने लग गए हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही कोई शख्स उसके पास आता है। हम एक शख्स के पैर को देखते हैं, ये शख्स बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ माजिन बू। हम देखते हैं कि ये शख्स अचानक से ही बू के पास आ गया होता है, और उसके चेहरे पे काफ़ी ईवल सी स्माइल होती है। हम देखते हैं कि ये बू की कैंडीज पे खड़ा होता है, और एकदम से ही बू इसे देख के चौंक जाता है। हम देखते हैं कि इस शख्स के हाथ में एक हथियार भी होता है, और बू इस शख्स को देख कर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम उन लोगों की तरह नहीं लग रहे जिन्हें मैंने कैंडी में बदला है। ये शख्स बू को जवाब देते हुए बोलता है कि आर्ट्स ट्यूक मेरा टाइटल है, पर ट्रिगोना तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए माजिन बू। शायद ये शख्स बोल रहा है कि माजिन बू से ट्रिगोना नाम से बुला सकता है। बू एकदम से ही चिल्लाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हारे अंदर बुराई महसूस कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे बाकी लोगों में भी महसूस हो रही थी, और सेटिन ने मुझे कहा था कि हर उस शख्स को मज़ा चखाऊँ जिसके अंदर मुझे बुराई महसूस हो, इसीलिए तुम अब नोबॉट में बदल जाओ। हम देखते हैं कि एकदम से ही माजिन बू अपनी कैंडी बीम को शूट करने वाला होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर एकदम से ही ये शख्स बोलता है कि रुको। ये शख्स स्माइल के साथ बोलता है कि इस वक्त तुम डीमन रेल में हो, और ऑफ कोर्स मैं भी एक डीमन हूँ, तो ये बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है कि मेरे ऑरा के अंदर से बुराई निकल रही है, तुम भी एक डीमन ही हो, पर तुम्हारा दिल साफ है, मैंने सही कहा ना। बू बोलता है हाँ बिल्कुल सही, बू के पास एक अच्छा दिल है, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये शख्स बोलता है कि पिछले 5 महीने से प्राइमरी डीमन्स तुम्हें शांति से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम उन सभी पर अपने ट्रांसफॉर्मिंग रे का इस्तेमाल कर रहे हो और उन्हें खाने की चीज़ों में बदल रहे हो ताकि तुम अपना पेट भर सको, पर ऐसा लगता है कि तुमने इस एरिया के सारे डीमंस को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी। हम देखते हैं कि पिछले 5 महीने से बू डीमंस से लड़ रहा है, और उन सभी डीमंस को बू ने चॉकलेट या किसी खाने की चीज़ में बदल दिया ताकि वो अपना पेट भर सके और ख़ुद को बचा सके। इसीलिए हमारे रूलर ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें उनके पास डायरेक्टली ले जा सकूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। बू एकदम से ही इस बात को सुन के खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, और एकदम से ही वो उस मशीन को उठाता है और इस शख्स को दिखाता है। बू पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। ये शख्स बोलता है कि वैसे मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। बू थोड़ा सा निराश होकर अपनी स्टोरी बताता है और बोलता है कि मैं इसी की वजह से यहाँ पर आया हूँ, और मुझे लगता है कि सेटन को मेरी चिंता हो रही होगी। वो शख्स बोलता है कि तो ठीक है माजिन बू मेरे साथ आओ, और एकदम से ही माजिन बू खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लग जाता है। हम लोग इसके बाद यूनिवर्स 6 में आते हैं, और वहाँ पर आकर एक प्लैनेट को देखते हैं, और इसके बाद हम लोग इस प्लैनेट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ घरों को देखते हैं, और इस घर के अंदर हम हिट को देखते हैं। हिट किसी शख्स की तरफ देख रहा होता है,
और बोलता है, अच्छा तो तुम जाग गए, शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या कीमत चुकानी पड़ती है जब तुम अपने से किसी ताकतवर शख्स को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो। फ्रॉस्ट देखते हैं कि उसके सामने फ्रॉस्ट होता है और उसे ऑक्सीजन लगी हुई होती है। वो बोलता है कि मैं बस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट एक चेयर में होता है, उसका एक पैर कट चुका है, उसके साथ हेड कहीं जा रहा होता है। फ्रॉस्ट को खुद पे तरस आ रहा होता है और बोलता है कि ये मेरी क्या हालत हो गई है। हेड बोलता है कि तुम नेचुरली ही अपनी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में पहुंच गए, शायद इसलिए कि ताकि तुम खुद को बचा सको, और पिछले 5 महीने से तुम कोमा में हो। मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि ये आखिरी बार ही होना चाहिए जब मुझे तुमसे डील करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि एकदम से ही फ्रॉस्ट स्माइल करता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए जबकि तुम जानते हो कि मुझे ढूंढा जा रहा है। तुम चाहते तो तुम मुझे सडाला स्पेशल फोर्सेस के पास भी ले जा सकते थे या फिर गैलेक्टिक ऑर्डर अथॉरिटीज़ के पास, पर तुम नहीं ले गए। कितने सरप्राइज़ की बात है, क्या इसका कोई रीज़न हो सकता है? हम देखते हैं कि हिट अचानक से ही बाहर की तरफ देखने लग जाता है। हिट एकदम से आसपास देखकर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है फ्रॉस्ट कि इस वक्त हम कहां पर हैं? एकदम से ही फ्रॉस्ट आसपास देखने लग जाता है। वो थोड़ा सा आगे जाता है और जैसे ही वो अपने सामने की चीज़ों को देखता है वो एकदम से ही हैरान रह जाता है। फ्रॉस्ट देखकर समझ जाता है कि ये फ्रॉस्ट के ही किसी प्लैनेट्स में से एक है और इस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट फ्रॉस्ट 586। फ्रॉस्ट बहुत सारा डर जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया हिट? हिट बोलता है कि मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा क्योंकि किसी ने भी मुझे पैसा नहीं दिया है ऐसा करने के लिए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें करी हैं उसके हिसाब से मैं तुमसे कहीं से भी बेहतर नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अथॉरिटीज़ के हवाले भी नहीं करूँगा। पर फिर भी तुमने इस प्लैनेट के पूरे सरफेस पे पायरेसी ऑपरेशंस करवाए और इसके बाद इसे छोड़ दिया। इसके बाद तुमने इस प्लैनेट के वासियों को ये दिखाया कि तुम इसके एनिमी से इसे बचा रहे हो जो कि असल में तुम्हारे ही लोग थे। बाद में तुमने इस प्लैनेट के लोगों को बहुत ही बुरी हालत में छोड़ दिया जब तुम्हें समझ आया कि इस प्लैनेट की कोई भी कीमत नहीं है और अब इन लोगों को पता है कि तुम यहीं पर हो। ये लोग बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम एक बारी बस होश में आ जाओ, इसके बाद ही तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे तुमने इस प्लैनेट के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए। ये सुनते ही फ्रॉस्ट एकदम से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी उंगली आगे करता है और एकदम से ही वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक हिट की तरफ शूट करता है। हिट अपने आप को बचाने के लिए सरासा भी नहीं हिलता। एकदम से ही वो फ्रॉस्ट की तरफ देखकर टाइम को फ्रीज कर देता है और हिट के पीछे पहुंच जाता है। हिट फ्रॉस्ट से बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसे बदले की आग खाई जा रही है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा बदला दूसरों से ज़्यादा मायने रखता है? हिट इसके बाद फ्रॉस्ट के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम जो बोलते हो उसमें कितना दम है, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। फ्रॉस्ट इसके बाद वो समय याद करने लग जाता है जब उसने हिट को चैलेंज किया था। फ्रॉस्ट ने हिट को अपनी ताकत दिखाने के लिए चैलेंज किया था और हिट फ्रॉस्ट को अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए चैलेंज कर रहा है। एकदम से ही हिट अपने टाइम फ्रीज को खोल देता है और फ्रॉस्ट अपने पीछे देखता है। हिट अब तक यहाँ से जा चुका होता है और फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फ्रॉस्ट चिल्लाता है कि ये क्या, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन सभी को पता है कि मैं इस प्लैनेट पर हूँ, पर फिर भी ठीक है, उन्हें एग्जैक्टली मेरी जगह नहीं पता है, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सभी को मैं अपने सामने झुका कर रहूँगा और थैंक यू कहने के लिए मैं इस पूरे के पूरे घिनौने प्लैनेट को ही ख़त्म कर दूँगा, बस यही। इसके बाद फ्रॉस्ट थोड़ा सा सोचता है, वो बोलता है कि पर अगर मैं ऐसा करूँगा तो गैलेक्टिक ऑर्डर अथॉरिटीज़ का ध्यान यहाँ पर आने का खतरा है, और वैसे भी अभी जो चीज़ मुझे हिट ने बोली, अगर मुझे मेरा बदला चाहिए तो मुझे प्रूव करना होगा कि जिन चीज़ों में मैं विश्वास रखता हूँ उनके हिसाब से मैं चल सकता हूँ। चलो वैसे मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मुझे इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से ही सीन चेंज होता है और हम लोग डीमन रॉयल में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि माजिन वो उसी शख्स के साथ उड़ रहा होता है। ये डीमन बोलता है कि ये तो बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं इस वक्त ग्रेट डीमन माजिन वो की कंपनी में हूँ। इतने महीनों में हमने तुमको देखा, तुमने प्राइमरी स्पीसीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जो कि लगातार तुम्हारे पीछे पड़ी थी, और इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर सारा सी भी थकावट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बू इसके जवाब में बोलता है कि बू को सिर्फ कुछ सेकंड्स होने की ज़रूरत होती है जिसके बाद वो बहुत ही लंबे समय के लिए रिचार्ज हो जाता है। डीमन ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, वो बोलता है कुछ ही सेकंड्स, काफ़ी कमाल की बात है। डीमन बोलता है कि हम लोग कुछ ही देर में अपने रूलर के टावर तक पहुंच जाएंगे। बू इसके बाद एक सवाल पूछता है, वो बोलता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे रूलर को खाया जा सकता है? डीमन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वो बोलता है क्या नहीं, वो इस पूरे किंगडम के राजा हैं। वो थोड़ा सा निराश होता है और बोलता है ओके, काफ़ी बुरी बात है। इसके बाद ये डीमन अपनी स्पीशीज़ के बारे में बताता है। वो बोलता है कि इस दुनिया की प्राइमरी स्पीशीज़ में दोनों जानवर, कीड़े मकोड़े
और आर्टिफिशियल बींग्स आते हैं। हम लोग प्राइमरी स्पीशीज के सुपीरियर है, हम लोग डीमन रैल्म के नोबल्स हैं और हमारा जन्म भी उसी पेड़ के फल से होता है जिससे सुप्रीम काय जन्म लेते हैं। मुझे लगता है कि तुम उनका सामना कर चुके हो। वो फैट सुप्रीम काय को याद करता है और बोलता है, सुप्रीम कायज। हाँ, डीमन बोलता है कि जब हम लोगों का फल के तौर पर जन्म होता है तो एक चीज़ तय होती है कि या तो हम काय बनेंगे या फिर सुप्रीम काय। पर ऐसा लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस एक डीमन के तौर पर उस पर डिपेंड करती है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस यूनिवर्स में होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। जितना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में बढ़ता जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे फ्रूट के करप्ट होने के, और मेरा जन्म भी ऐसे ही एक करप्ट फ्रूट से हुआ है, बिल्कुल डाबोरा की तरह, जो कि डीमन्स का पिछला किंग था जिसे तुमने ही मारा है। इसके बाद डीमन बू को लेके टावर तक पहुंच जाता है और बोलता है कि ये लो, हम आ गए। बू बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा है। वो डीमन बोलता है कि हमारे रूलर इस टावर के टॉप पर हैं, पर वो चाहते हैं कि तुम धीरे धीरे करके ऊपर जाओ ताकि तुम बीच में मिल रहे सभी फाइटर्स का सामना कर सको। बू खुश होकर पूछता है कि अगर मैं उन सभी को हरा दूंगा और तुम्हारे रूलर से मिलूंगा तो तुम क्या वादा करते हो कि तुम इसे ठीक कर दोगे? डीमन बोलता है कि मैं अपने किंगडम के सभी साइंटिस्ट को ऑर्डर करूंगा कि वो इस चीज़ को देख सकें। बू बोलता है ठीक है, और एकदम से ही बू के चेहरे पर काफ़ी ईवल सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बू एक बहुत ही ताकतवर अटैक इस पूरे के पूरे टावर पर शूट कर देता है। ये डीमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एकदम से चिल्लाता है, नहीं। हम देखते हैं कि ये टावर एक ही झटके में पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। डीमन बोलता है कि तुमने तो सब कुछ तबाह कर दिया, हमारे सभी फाइटर्स, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फाइटर्स सब मारे जा चुके हैं। डीमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, और हम देखते हैं कि बू के सामने जो टावर था अब वो धूल में बदल चुका होता है। बू बोलता है कि बस इतना ही करना था। वो इसके बाद आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि पर वो क्यों नहीं गिरा? हम इसके बाद देखते हैं कि बू क्या देख रहा है। हम देखते हैं कि टावर का टॉप अभी भी अपनी जगह पर ही होता है, और इसके बाद वो डीमन बोलता है कि देखा। हम देखते हैं कि ये टावर इतना बड़ा था कि अभी भी गिर रहा होता है, और वो डीमन बोलता है कि ग्रेविटी हमेशा इस दुनिया में अपना काम नहीं करती है। इसके बाद हम उस टावर के टॉप को नज़दीक से देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि बू भी उसी पर फोकस कर रहा होता है। एकदम से ही बू अपनी बॉडी में से स्टीम को रिलीज़ करता है और एकदम से उड़ने लग जाता है ताकि वो टावर के टॉप तक पहुँच सके। एक ही पल में हम देखते हैं कि बू टावर के टॉप तक पहुँच जाता है और उसे बाहर से देखता है। इसके बाद वो टावर के अंदर जाता है। बू टावर के अंदर जाकर लैंड करता है और आसपास देखने लग जाता है। वो देखता है कि पूरा टावर खाली है। वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी एकदम से बू को एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर आज देख पाना ये कितनी खुशी की बात है माजिन बू। हम देखते हैं कि ये प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा ईवल लग रही होती है। इसके बाद हम एक स्टाफ को देखते हैं जो कि एकदम से ही रोशनी में आया होता है। हम देखते हैं कि एक शख्स रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, उसके चेहरे पर काफ़ी ईवल स्माइल है। वो बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो यहाँ के रूलर। इसके बाद हम इस शख्स को सामने से देखते हैं। ये शख्स बोलता है कि मेरा नाम हिगीटस है और हाँ, मैं इस जगह का महान रूलर हूँ और तुम मुझे डीमन सुप्रीम काय भी कह सकते हो। वो जैसे ही शख्स को देखता है वो एकदम से चौंक जाता है। वो एकदम से शख्स की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि पर मैं तुम्हें जानता हूँ। हम देखते हैं कि डीमन सुप्रीम काय बू के सामने कितना छोटा सा लग रहा होता है। वो इसके बाद थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ, तुम तो बीबीडी के साथ थे, मुझे ऐसा लगता है, पर पता नहीं। डीमन सुप्रीम काय बोलता है कि काफ़ी इम्प्रेसिव बात है, तुम सही हो, मेरे काफ़ी लंबे समय पहले विजर्ड बीबीडी के साथ थोड़े से कनेक्शंस थे, कई मिलियन साल पहले। एकदम से ही बू को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तो तुम उसके दोस्त थे? डीमन सुप्रीम काय बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बीबीडी एक सेल्फिश विजर्ड था जो कि दुनिया पर कब्जा पाना चाहता था। उसे किसी तरीके से पता चल गया कि यूनिवर्स की गहराई में कोई अजीब सी सिंगुलैरिटी का जन्म हो रहा है जो कि बुराई का जीता जागता रूप है, और वो धीरे धीरे करके शेप ले रहा है। पर ऐसा लगता है कि उस समय तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही थे जो कि अपने आसपास की बुरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। हम इसके बाद बीबीडी को देखते हैं। बीबीडी चिल्लाता है कि मैं उसे शेप दूंगा। बीबीडी के पीछे डीमन सुप्रीम काय खड़ा होता है। डीमन सुप्रीम काय बू को बताता है कि मेरा मिशन बस ये था कि तुम्हें जिंदा करके मैं यहाँ पर वापस ला सकूँ, और उसका काम बस ये था कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को वो ज़िंदगी दे, और सब कुछ उसी तरीके से हुआ जैसा कि उसने प्लान किया था, और तुम्हारा जन्म हुआ। तुम यानी कि माजिन बू, जो कि उस तरीके से अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जैसा कि मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा था। तुम्हारे आज़ाद होते ही तुम्हारा गुस्सा फट पड़ा और तुमने इस जगह को 80% डिस्ट्रॉय कर दिया। बीबीडी ने इस मौके का इस्तेमाल किया और वो तुम्हारे साथ यहाँ से निकल गया, और जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, उसकी ऑल्टर ईगो यानी कि बाबड़ी यहाँ पर वापस लौटा। ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने डाबोरा को भी फोर्सफुली करप्ट कर दिया। तो मेरा विश्वास करो, वो कुछ भी था,
पर वो मेरा दोस्त नहीं था। ये बोलते वक्त हिगिटस की आंखें बंद होती हैं और इसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। वो बोलता है बस इतना ही। जैसे ही हिगिटस अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि बू बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है और वो ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि वो तो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा था। हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से ही वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, लॉर्ड हिगिटस मुझे माफ़ कीजिएगा, माजिन बू ने अभी जो किया उसके लिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये हमारे पूरे टावर को ही ख़त्म कर देगा और उसके साथ साथ हमारे सोल्जर्स को भी। हम देखते हैं कि डीमन हिगिटस के सामने झुका हुआ होता है। हिगिटस इसके बाद माजिन बू की तरफ देखता है और बोलता है, माजिन बू। वो हैरानी से मुड़कर हिगिटस की तरफ देखता है। हिगिटस बोलता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो और हमारे सामने एक वॉर आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे मेन आदमी बनो, हमारे अल्टीमेट वेपन। तुम इस बारे में क्या कहते हो? हम देखते हैं कि एकदम से ही वो खड़ा होता है और इसके बाद वो उस मशीन को फिर से बाहर निकालता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को ठीक कर दो। ट्रिगू जो भी है इसने कहा था कि तुम इसे ठीक करने में मदद करोगे। ट्रिगू ना बताता है कि ये वो मशीन है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ पाया है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई रैंडम डेस्टिनेशन सेलेक्ट हो गई और इसका यहाँ पर आना पूरे तरीके से एक चांस की बात है। हिगिटस ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि वाह, लगता है हमारी किस्मत अच्छी है। वो एकदम से गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि मैं सेडन से बात करना चाहता हूँ। हिगिटस बोलता है कि अगर हमारे साइंटिस्ट तुम्हारे टेलीपोर्टर को फिक्स कर देते हैं तो क्या तुम मेरे प्रपोजल के बारे में सोचोगे? वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि अगर मैं सेडन को फिर से मिल पाया तो मैं सोचूंगा। हिगिटस बोलता है कि बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखते हैं कि हिगिटस बू के हाथों से उस मशीन को लेता है और बोलता है, ट्रिगुना इस मशीन को लेके साइंटिफिक एरिया में जाओ। ट्रिगुना बोलता है, ज़रूर। हिगिटस इसके बाद बोलता है, माजिन बू तुम्हें पता है मैं एक समय पे मदर ऑफ एंजल्स को जानता था, यानी कि जो लोग सबसे ऊपर बैठे हैं, और मैं इस बात में 100% श्योर हूँ कि वो हमारी मदद करना चाहेगी और बाकी सभी डीमन रेल्म्स की जो कि दूसरे यूनिवर्स में हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक मजबूत डिफेंस बनाना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। हिगिटस बोलता है कि वो सब छोड़ो, पर एक बात पता है, तुम अपने पुराने डिस्गाइज में ज़्यादा खतरनाक लगते थे, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी एक एबिलिटी के बारे में पता है और मुझे पता है कि उसका इस्तेमाल करके तुम्हें ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। वो थोड़ा सोचता है पर उसे समझ नहीं आता और एकदम से हिगिटस हंसकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें उस एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता होगा, एब्जॉर्प्शन की टेक्निक। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग यूनिवर्स 6 के प्लैनेट फ्रॉस्ट 586 पर आते हैं। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट जिस बिल्डिंग के अंदर था वहाँ से वो छुपकर बाहर निकल रहा होता है। फ्रॉस्ट बाहर निकलकर आसपास देखने लग जाता है, तभी उसका ध्यान एक शख्स पे पड़ता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा है। फ्रॉस्ट बोलता है कि लगता है ये यहाँ से गुजर रहा है, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। एकदम से ही फ्रॉस्ट ये शख्स को नज़दीक से देखता है और ये शख्स बिल्कुल हिट की तरह लग रहा होता है। वो उसे देख के चौंक जाता है पर एकदम से समझ जाता है कि ये हिट नहीं है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट और वो शख्स एक दूसरे के आसपास से निकल जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं और इसके बाद हम एक डेजर्ट एरिया को देखते हैं। वहीं पर कहीं हमें हिट बैठा हुआ दिखता है। हम देखते हैं कि हिट बैठकर कुछ सोच रहा है। कोई लड़की अचानक से ही हिट के नज़दीक पहुंच जाती है और बोलती है, तो वो यहाँ पर है। हिट सोचता हुआ बोलता है कि हाँ, ये लड़की भी हिट की रेस की ही लग रही होती है और बोलती है कि क्या तुम्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये शख्स कुछ भी करने के लायक है? हिट बोलता है कि कोई भी कभी भी पूरी श्योरिटी से तो कुछ भी नहीं बोल सकता, पर हाँ, मुझे इस बात पर काफ़ी विश्वास है। वो लड़की बोलती है, हिट हमने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि हम आपके रेपुटेशन को पहले से ही जानते हैं, पर फिर भी आपका इस शख्स को यहाँ पर लाना जिसने हमारा इतना ज़्यादा नुकसान किया है, मुझे नहीं पता कि ये हमें कैसे बचा पाएगा। हम लोग यहाँ पर एक सोलर फ्लेयर की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक ऐसी सोलर फ्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें कुछ ही पलों में राख में बदल सकती है। हिट बोलता है, विश्वास रखो। इसके बाद हम फ्रॉस्ट को देखते हैं। फ्रॉस्ट आसपास देखता है और इसके बाद वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है। फ्रॉस्ट एकदम से ही गुस्सा करता है और बोलता है, बाहर में जाए, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है और किसी तरीके से स्पेस में जाना है। अगर वो बेवकूफ़ हिटमैन मुझे कुछ नहीं सिखाएगा तो मुझे अपना बदला खुद ही लेना होगा। हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट एकदम से ही आसमान में उड़ने लग जाता है। वो काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो बस स्पेस में पहुंच गया, पर अचानक से ही फ्रॉस्ट के साथ कुछ होता है। अचानक से ही कोई एनर्जी अटैक आके फ्रॉस्ट को लगता है और हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट के मुंह से एकदम से ही खून निकलने लग जाता है। ये अटैक फ्रॉस्ट के पेट में लगा होता है। हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, हिट है। हम देखते हैं कि हिट एकदम से ही फ्रॉस्ट के सामने आ गया होता है और बोलता है, फ्रॉस्ट मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, इस बारी मैंने सिर्फ तुम्हारे किडनी पर अटैक किया है, पर अगली बारी मेरा निशाना तुम्हारे हार्ट पर होगा। हिट बोलता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ,
मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश करो, यहाँ से बाहर जाने के लिए मैं तुम्हें रोकूंगा, ये बात ध्यान रखना। प्रोश के मुँह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर जो शख्स था वो तुम्हारी तरह दिख रहा था। हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? फिर थोड़ा सा सोचने लग जाता है, पर एकदम से ही बहुत घुर्राने की आवाज़ आती है। फ्रॉस्ट एकदम से ही एक एनर्जी महसूस करता है और बोलता है, ये एनर्जी, ये ताकत, ये क्या है? हिट भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रहा होता है। वो बोलता है, इतनी इंटेंसिटी, इतनी दूरी से, ये तो सोच से भी परे है। एक एनर्जी की बहुत ही मॉन्स्ट्रस वेव यूनिवर्स से कुछ ही परों में निकलती है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी क्रिएचर जो भी इस एनर्जी को टच करता है वो उससे बच नहीं पाता और उसके दिल में खौफ बैठ जाता है। डर के अलावा उसके दिल में कुछ भी नहीं होता और ये सब कुछ ही पलों में हुआ होता है। हम लोग इसके बाद प्लैनेट सैडाला पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि ये सब कुछ एक सैयन के गुस्से की वजह से हो रहा होता है। इस सैयन की गुर्राहट कानों को बहरा कर देने वाली है और ये गुर्राहट हर लाइफ फॉर्म तक पहुँच रही होती है जो कि इस यूनिवर्स में होता है, चाहे वो प्लैनेट सैडाला से कई लाइट ईयर्स की दूरी पर ही क्यों ना हो। पर डोला चिराय को मारने के बाद भी हम देखते हैं कि हंस रहा होता है और उसे ब्रोली की एनर्जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये सैयन है ब्रोली, जो कि चिराय की मौत के बाद पागल सा होने लग जाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली दुख में बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ ब्रोली की हालत देख के डोला हंसने लग जाता है और बोलता है कि हाँ, बस ऐसे ही करते रहो। ब्रोली नाम का सैयन अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। उसके दुख का इस वक्त कोई भी ठिकाना नहीं है। उसका दुख और उसकी चीखें सिर्फ उसकी आवाज़ की फोर्स से ही पूरे यूनिवर्स में फैलती जा रही हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली के चिल्लाने की वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है जो कि आसमान में जाके फट जाती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे आसमान में बादल फैलते जा रहे होते हैं। ब्रोली की एनर्जी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि वो पूरे के पूरे स्पेस में बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। ब्रोली की एनर्जी से ना सिर्फ यूनिवर्स के प्लैनेट्स पर असर पड़ रहा होता है बल्कि उसके स्टार्स पर भी असर पड़ रहा होता है। ऐसे स्टार्स जो कि प्लैनेट सैडाला से काफ़ी दूरी पर हैं और जिन स्टार्स से ब्रोली की एनर्जी जाके टकरा रही होती है वो पूरा का पूरा प्लैनेट सिस्टम ही सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रोली की एनर्जी की वजह से वो पूरा का पूरा स्टार ही फट जाता है। इसके बाद हम किंग सैडाला को देखते हैं। किंग सैडाला आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो हैरानी से बोलते हैं कि ये सोचा भी नहीं जा सकता, आसमान में ये जो रोशनी दिख रही है, ये रोशनी, ये कोई आम रोशनी नहीं है और ये सब कुछ सिर्फ ब्रोली की चीख की वजह से हो रहा है। ये एक्सप्लोजन्स, ये कोई आम एक्सप्लोजन्स नहीं है। क्या ये सभी सुपरनोवाज हो सकते हैं? ये सब कुछ देखते ही किंग सैडाला को अचानक से ही कुछ याद आने लग जाता है। किंग सैडाला ब्रोली की तरफ देखते हैं। ब्रोली जो कि दर्द से चिल्ला रहा है, ब्रोली के सच्चे प्यार को उसके सामने ही मार दिया गया और ये चीज़ देखकर किंग सैडाला को खुद की ही याद आने लग जाती है जब वो पहली बारी सुपर सैयन में बदले थे। उनका भी खुद पे कंट्रोल नहीं था और वो भी अपने गुस्से की चपेटे में आ गए थे। हम देखते हैं कि किंग सैडाला एकदम से ही घबराने लग जाते हैं और बोलते हैं, नहीं। एकदम से ही किंग सैडाला खुद को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं दिन में सपने नहीं देख सकता, मुझे खुद पे काबू पाना होगा। तभी किंग सैडाला का ध्यान किसी चीज़ पे जाता है। हम देखते हैं कि चिलाई की बॉडी अभी भी ज़मीन की तरफ गिर रही होती है। चिलाई की बॉडी इस वक्त बेजान है। दर्द की वजह से चिलाई शायद बेहोश हो गई है, पर वो अभी ज़िंदा है या नहीं इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। किंग सैडाला बहुत तेज़ी से उड़ते हैं और एकदम से ही चिलाई की बॉडी को बीच में ही पकड़ लेते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं। वो चिल्लाते हैं, एडमिरल फिनेल, इस लड़की को जल्दी से लो और टफस लेबोरेटरी की तरफ बहुत तेज़ी से जाओ। हो सकता है कि इस लड़की को अभी भी बचाया जा सके, हो सकता है अभी भी देरी ना हुई हो। एडमिरल फिनेल बोलती हैं, समझ गई। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल के पास एक सैयन खड़ा होता है। वो बोलता है, एडमिरल मुझे आपके साथ चलने दीजिए, मैं आपकी रक्षा करूँगा। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि क्या तुम सच में मेरे पीछे आ पाओगे पारसा, हमारे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। पारसा एकदम से स्माइल करता है और बोलता है, हाँ। एडमिरल फिनेल एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और बोलती हैं, ठीक है। एडमिरल फिनेल एकदम से ही लीमो की तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि तुम मेरी कमर पर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल लीमो और चिराय को लेकर जाने लग जाती हैं और पारसा उनकी रक्षा के लिए जाता है और किंग सैडाला पीछे से उन्हें देखने लग जाते हैं। इसके बाद किंग सैडाला ब्रोली की तरफ देखते हैं और ब्रोली का नाम पुकारते हैं। ब्रोली अब तक भी खुद पर कंट्रोल नहीं पा पाया होता। ब्रोली के शरीर के हर हिस्से से एनर्जी फट रही होती है। हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी चमक रही है। ब्रोली इस वक्त इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि उसके शरीर में से हर जगह से एनर्जी निकल रही होती है। इस एनर्जी पर ब्रोली का कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वो हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। डोला को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ब्रोली के साथ क्या हो रहा है। डोला बोलता है कि आखिर इस शख्स के साथ क्या हो रहा है, आखिर ये अब हिल क्यों नहीं रहा। वेजिटा एकदम से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुमने जो किया है उसकी वजह से अब क्या होने वाला है।
ढोला बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि वेजिटा क्या बोल रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही वेजिटा दर्द से चिल्लाता है। एमरॉन एकदम से ही वेजिटा के पीछे आके उस पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि एमरॉन की कीचेन एकदम से ही वेजिटा के कंधे के आर पार निकल जाती है। एमरॉन बोलता है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, अगली बारी मैं सिर्फ तुम्हारे कंधे से खुश नहीं होने वाला। इसके बाद हम एक बारी फिर से ब्रोली को देखते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली आखिरकार मूव करना शुरू कर चुका होता है। वो एकदम से अटैक करने के लिए डोला की तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि डोला को इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। पर असल में डोला जानता था कि उसके पीछे ब्रोली आ गया है। इससे पहले कि ब्रोली डोला तक पहुंच पाता, एकदम से ही डोला एक पोर्टल बना देता है जिसके अंदर ब्रोली गिर जाता है। डोला बोलता है कि तुम इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। हम देखते हैं कि डोला का ये पोर्टल एडमिरल रूबा के पास खुला होता है। ब्रोली के हाथ एकदम से ही पोर्टल के अंदर जाते हैं। ब्रोली के हाथ एडमिरल रूबा तक पहुँचने ही वाले होते हैं। हम देखते हैं कि एडमिरल रूबा टाइम पर ब्रोली को देख लेते हैं और एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल सुपर सैयन की ताकत एक लेजेंडरी सुपर सैयन की ताकत की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ब्रोली एकदम से ही एडमिरल रूबा को पोर्टल के अंदर से खींच लेता है। ब्रोली ने एडमिरल रूबा के पैरों को पकड़ रखा होता है और एकदम से ही वो एडमिरल रूबा को ज़मीन पर पटक देता है। एडमिरल रूबा को ब्रोली की ताकत पर विश्वास नहीं हो रहा होता, पर इस वक्त ब्रोली बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। उसके सामने जो भी आएगा ब्रोली उसे मार देगा। ब्रोली एक बारी फिर से एडमिरल रूबा की तरफ बढ़ता है और एकदम से ही अपने एक हाथ से एडमिरल रूबा के चेहरे को पकड़ लेता है। रूबा अभी भी अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में था, पर एकदम से ही ब्रोली उसके सर को पकड़ के ज़मीन पर घिसटने लग जाता है और आखिरकार एडमिरल रूबा बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी सुपर सैयन की फॉर्म से भी बाहर आ गए हैं। एडमिरल रूबा के पूरे शरीर में से खून निकल रहा होता है और इसके बाद हम फिर से ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली एकदम से ही माउथ बीम बना रहा होता है ताकि वो एडमिरल रूबा पर अटैक कर सके। ब्रोली एकदम से ही अपनी माउथ बीम के अटैक को शूट कर देता है जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। इस लड़ाई से कुछ दूरी पर हम देखते हैं कि काबा, केल और कलिफ्रा उड़ रहे होते हैं ताकि वो बुलमा तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वो तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं और समझ जाते हैं कि ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो तीनों एकदम से ही रुकते हैं और कलिफ्रा बोलती है कि ये अच्छा नहीं लग रहा। केल, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना होगा। ब्रोली ने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया है और तुम इकलौती हो जो कि समझती हो कि इस फॉर्म के अंदर क्या होता है। केल कलिफ्रा से पूछते हैं कि पर तुम क्या तुम लोग ठीक रहोगे। कलिफ्रा एकदम से ही हंसती है और बोलती है कि ये देखो, अभी हमें ही अंडर एस्टिमेट कर रही है। काबा हंसकर बोलता है कि चिंता मत करो, हम उस डरपोक को संभाल लेंगे। हम जल्द ही वापस आकर तुमसे मिलेंगे, इस बात का तुम विश्वास कर सकती हो। काबा, केल और कलिफ्रा एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तीनों अपने फिस्ट को टकराते हैं और एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और बोलते हैं कि हम लोग करके रहेंगे। केल इसके बाद ब्रोली की तरफ बढ़ने लग जाती है और वो ब्रोली के दर्द को भी महसूस कर रही होती है। वो बोलती है ब्रोली। तभी वापस जाते हुए केल का ध्यान एडमिरल फिनेल पर जाता है जिनके हाथों में चिलाई की बॉडी है। फिनेल और केल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और केल का ध्यान चिलाई की बॉडी पर जाता है। वो बोलती है नहीं चिलाई, मुझे जल्दी करनी होगी। हम लोग कुछ सेकंड पीछे आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ही रूबा पर अटैक करने वाला है और उसके माउथ बीम का अटैक रूबा तक पहुँचने वाला था। तभी हम एडमिरल डेरिक को देखते हैं। वो एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एकदम से बीच में आके एडमिरल रूबा को वक्त रहते बचा लेते हैं। डोला सिर्फ दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है कि विनरेबल हेयर सही थे हमेशा की तरह। किंग सडाला डोला की बात सुन रहे थे और वो डोला से बोलते हैं कि तुम जानते थे कि वो सिर्फ तुम पे अटैक नहीं करेगा, सही कहा ना। डोला किंग सडाला की बात को सुनकर बोलता है कि पता नहीं। किंग सडाला एकदम से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एकदम से पावर अप करते हैं। किंग सडाला बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त सारे घिनौने कीड़े हो और आज तक मैं तुम जैसे घिनौने इंसान से कभी नहीं मिला हूँ। किंग सडाला इसके बाद डोला की तरफ देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली तबाही मचा रहा होता है। ब्रोली की माउथ बीम की वजह से हर जगह धमाके हो रहे होते हैं। तभी हम एडमिरल डेरिक को देखते हैं जो कि एडमिरल रूबा को बचा कर लेकर आए होते हैं। एडमिरल डेरिक बोलते हैं कि तुम सभी सोल्जर्स मेरी बात सुनो, तुम में से दो एडमिरल रूबा को सेफ जगह पर लेकर जाओ और बाकी सभी के सभी पोजिशंस में आ जाओ, ये एक ऑर्डर है। किंग सडाला बोलते हैं कि मेरे आदमी एक दूसरे को मार रहे हैं तुम्हारी वजह से, पर मेरा विश्वास करना, मैं तुम्हें ऐसा करके बच के निकलने नहीं दूंगा, तुम्हारे जैसे को तो कभी नहीं। डोला हंसकर बोलता है कि तुम्हारे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, दो कौड़ी के राजा, मुझे वेनरेबल हेयर के अलावा किसी और से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अगर तुमने ध्यान ना दिया हो तो तुम्हारे सबसे ताकतवर वॉरियर को संभाल रहे हैं। हम देखते हैं कि एमरॉन वेजिटा को मार रहा होता है और वेजिटा को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। ये चीज़ किंग सडाला भी देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो डोला से बोलते हैं कि अब समय बर्बाद करना बंद करो और यहाँ पर आओ। डोला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो,
हम देखते हैं कि किंग सडाला डोला तक बस पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी एकदम से डोला किंग सडाला के चारों तरफ बहुत सारे पोर्टल्स बना देता है और तभी इन सभी पोर्टल्स के अंदर से एकदम से ही लावा निकलने लग जाता है। ये सारा का सारा लावा किंग सडाला के ऊपर गिर रहा होता है, पर वो इस सबको झेलने के लिए तैयार होते हैं। पर ये देखना अभी बाकी है कि वो दूसरी तरफ बचकर निकल पाएंगे या नहीं। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सैयन से एकदम से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक सैयन बोलता है कि चलो दोस्तों, उनके लिए थोड़ा समय जुटाते हैं और अपने प्लैनेट सडाला को बचाते हैं, जैसा हम आज तक करते आए हैं। ये सारे के सारे सैयन से एकदम से ही ब्रोली पे अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। काफ़ी सारे सैयन ब्रोली पे फिजिकल अटैक करने के लिए जाते हैं और कुछ सैयन पावर अप कर रहे होते हैं, पर ब्रोली कोई आम सैयन नहीं है। वो एकदम से ही एक हाथ से एक सैयन के सर को पकड़ लेता है, अपने दूसरे हाथ से ब्रोली दूसरे सैयन के पैर को पकड़ता है। ब्रोली को इन कमज़ोर सैयन के फिजिकल अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एकदम से एक सैयन ब्रोली के सामने आता है और अपनी दो उंगलियों से एक लेज़र अटैक ब्रोली पे करता है। ये अटैक बिल्कुल ब्रोली के चेहरे पे लगता है। ब्रोली कुछ पलों के लिए शांत हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ब्रोली शायद घायल हो चुका है। सभी सैयन को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वो ब्रोली को हरा सकते हैं। एक सैयन एकदम से चिल्लाता है कि यही हमारा समय है, और सभी सैयन झुंड में एकदम से ही ब्रोली पे अटैक करने लग जाते हैं। उन सभी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ब्रोली को इस फॉर्म में हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, पर एडमिरल डेरिक इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वो एकदम से ही चिल्लाते हैं कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो, अपनी दूरी बनाए रखो। पर तब तक और ज़्यादा देरी हो जाती है। ब्रोली का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। वो एक बार फिर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि उसके पावर अप की वजह से धमाका होता है और सभी सैयन उससे दूर जाके गिरने लग जाते हैं। पर उनमें से एक सैयन की किस्मत काफ़ी ख़राब होती है। ब्रोली एकदम से उसके सर को पकड़ के कुचल देता है और ब्रोली के चेहरे पे शिकन भी नहीं आती, क्योंकि इस वक्त वो कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद हम डोला और किंग सडाला को देखते हैं। किंग सडाला पोर्टल्स के एक सर्कल के अंदर फंसे हुए होते हैं। डोला बोलता है कि आखिरकार मैंने इस राजा को ठिकाने लगा दिया, इसका समय आ गया था। डोला आखिरकार अपने सारे के सारे पोर्टल्स हटा लेता है और तभी किंग सडाला पावर अप करते हैं। हम देखते हैं कि किंग सडाला इतने सारे लावा के अंदर भी सही सलामत थे। किंग सडाला के कपड़े जल चुके हैं, पर वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत हैं। किंग सडाला बोलते हैं कि बेवकूफ़, मैं नर्क जैसे हालातों से गुजर चुका हूँ और मैंने हीट से डरना काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ दिया था। डोला इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि इस प्लैनेट के लोग सच में आम तो नहीं हैं। सभी सैयन और एडमिरल लेरिक उस सैयन की बॉडी को ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं। उस सैयन की ऐसी हालत को देख के एडमिरल लेरिक की आंखों में आंसू आ जाता है और सभी सैयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एडमिरल लेरिक जानते हैं कि ब्रोली को शांत करना या रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से ही वो अपनी आंखों के आंसू को साफ करते हैं और ब्रोली को देख के चिल्लाते हैं ताकि ब्रोली का ध्यान उनके ऊपर आ जाए। एडमिरल लेरिक चिल्लाते हैं कि तुम मोटे कछुए, इधर की तरफ देखो। भले ही ब्रोली इस वक्त होश में ना हो और उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे बुला रहा है, एडमिरल लेरिक चिल्लाते हैं कि क्या तुम बस यही कर सकते हो, तुम इस वक्त क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो इन 9 सीखिए सोल्जर्स पे अटैक करके? क्या तुम दूसरे ताकतवर फाइटर्स पे अटैक करने के लायक नहीं हो? पीछे से एक सोल्जर आवाज़ लगाता है और बोलता है कि एडमिरल, ये आप क्या कर रहे हैं? एडमिरल लेरिक चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ सोल्जर, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एडमिरल लेरिक ब्रोली की तरफ फिर से देखते हैं और चिल्लाते हैं कि क्या चिराए तुम्हारे लिए बस इतना ही मायने रखती थी? एडमिरल लेरिक देखते हैं कि ब्रोली उनके सामने है ही नहीं। ब्रोली ने एकदम से ही एडमिरल लेरिक को देख के उन पर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। ब्रोली हवा में छलांग लगाता है और एकदम से ही गुस्से में एडमिरल लेरिक की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रोली का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि इस वक्त वो किसी को भी नहीं पहचान रहा। एकदम से ही एडमिरल लेरिक चिल्लाते हैं कि यहाँ से दूर हटो। एकदम से ही हम देखते हैं कि ब्रोली ज़मीन पर लैंड करता है। उसके लैंड करने में भी इतनी ताकत थी कि हम देखते हैं कि ज़मीन एकदम से ही फटने लग जाती है। एडमिरल लेरिक और बाकी सभी सैयन अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एडमिरल लेरिक पीछे की तरफ हटते हैं और एकदम से ही आसमान में उड़ने लग जाते हैं, पर तभी ब्रोली उन्हें एक बारी फिर से देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। एडमिरल लेरिक एकदम से ही ब्रोली को देख लेते हैं, पर अब वो जानते हैं कि वो बहुत ही बड़े खतरे में है। ब्रोली का हाथ धीरे धीरे करके एडमिरल लेरिक की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रोली इस वक्त जिस हालत में है वो उन्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। पर इससे पहले कि एडमिरल लेरिक खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाए, हम देखते हैं कि एकदम से ही केयर बीच में आ जाती है और एकदम से ही वो ब्रोली के हाथ पर अटैक करती है। वो बोलती है रुको। केयर के अटैक से ब्रोली के हाथ की डायरेक्शन तो बदल जाती है, पर अब केयर भी बहुत ही बड़े खतरे में है और एडमिरल लेरिक भी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वो चिल्लाते हैं केयर। केयर के अटैक की वजह से ब्रोली को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाता है। उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी निकल रही होती है। ये एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है कि केयर को भी खुद को बचाना पड़ रहा होता है। वो ब्रोली को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है ब्रोली, ये मैं हूँ केयर। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ब्रोली शांत हो गया है और वो एकदम से ही केयर को देखने लग जाता है।
केल भी शांति से ब्रूली को देख रही होती है। वो बोलती है, ब्रूली मुझे अपना हाथ दो। एकदम से ही ब्रूली अपने हाथ को केल की तरफ बढ़ाने लग जाता है और हम देख सकते हैं कि ब्रूली का हाथ केल के मुकाबले कितना बड़ा है। और ये सब कुछ उसके ब्रिजर का ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। केल अपना हाथ ब्रूली के हाथ की तरफ बढ़ाती है और एकदम से ही हम देखते हैं कि ब्रूली अपने हाथ से केल को पकड़ लेता है और एकदम से ही केल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारता है। हम देखते हैं कि केल पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाती है, पर इस वक्त केल अपनी कंट्रोल लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में है, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही आराम से संभाल लेती है। तभी केल एकदम से अपने हाथ को उठाकर एकदम से ही उसमें बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाती है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट है। वो अपने इस एनर्जी ब्लास्ट को ब्रूली की तरफ फेंक देती है। हम देखते हैं कि ये अटैक बहुत तेज़ी से ब्रूली की तरफ बढ़ता है, पर तभी ब्रूली एकदम से अपने हाथ को आगे कर देता है और हम देख सकते हैं कि केल का ये बहुत ही बड़ा अटैक ब्रूली के हाथ में कितना छोटा सा लग रहा होता है। ब्रूली एकदम से ही केल के अटैक के साथ कुछ करने लग जाता है और केल एकदम से बहुत हैरान होती है। वो बोलती है, क्या वो मेरे अटैक को वापस फेंक रहा है? केल के अटैक से ब्रूली को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा होता, बल्कि ब्रूली केल के अटैक को उस पर ही वापस फेंकने में कामयाब हो जाता है। सभी सैयन इस फाइट को देख रहे होते हैं। एक सैयन बोलता है कि क्या केल उसके खिलाफ जीत पाएगी? ब्रूली एक अनस्टॉपेबल बीस्ट बन गया है। ये एक सुपर सैयन बनने का वही हिस्सा है जिससे हमारे किंग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। एडमिरल लिरिक बोलते हैं कि पर वो हमारा एक साथी है और केल इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है, तो हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा। इसके बाद हम एमरॉन को देखते हैं जिसकी लड़ाई वेजिटा के साथ चल रही है। हम देखते हैं कि वेजिटा के साथ लड़ने की वजह से उसका मास्क बहुत ही बुरी तरीके से चटक चुका है। एमरॉन बोलता है, तबाही, मैं यही चाहता था। डोला सबसे महान स्ट्रेटेजिस्ट को पता होता है कि किसी भी सिचुएशन को अपनी एडवांटेज में कैसे बदलें। ये सिर्फ आगे तक देखने की बात है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा खूनम खून हो चुका होता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने आप को समझदार दिखाना बहुत पसंद है ना। इसके बाद वेजिटा एकदम से ही एमरॉन के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंजर देता है और हम देखते हैं कि एमरॉन के मुँह से खून भी निकलता है। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि ये मत सोचना कि मैं भूल गया हूँ कि तुमने अपने एक हैंचमैन को मेरी बुलमा के पीछे भेजा है और मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वेजिटा के पंच की वजह से हम देखते हैं कि एमरॉन का मास्क टूट जाता है और पहली बारी हम उसकी हंसी को देखते हैं। एमरॉन बहुत ही ईवल हंसी के साथ बोलता है कि फिर भी सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है जब से मैंने इस प्लैनेट पे कदम रखा है। वेजिटा चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा खेल हमेशा नहीं खेलता रहूँगा, मेरा विश्वास करो। एमरॉन बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा पोटेंशियल देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ वेजिटा। वेजिटा गुस्से में एमरॉन की तरफ देखता है और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ब्रूली ने केल के चेहरे को पकड़ लिया है। अभी केल अपने आप को छुड़ाने के लिए एकदम से ही अपने ब्रिजर्कर फॉर्म में चली जाती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ताकत निकलती है और ब्रूली का हाथ केल के चेहरे से हट जाता है। जैसे ही केल पावर अप करती है एकदम से ही हम देखते हैं कि ब्रूली पीछे की तरफ देखने लग जाता है। ब्रूली एकदम से ही किसी और डायरेक्शन में जाने लग जाता है और केल बोलते हैं कि क्या वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया? क्या वो किसी और पर अटैक करने जा रहा है? हम देखते हैं कि ब्रूली बहुत तेज़ी से किसी की तरफ बढ़ रहा होता है और एकदम से ही केल उसके पीछे जाती है और उसके पैर को पकड़ लेती है। केल ब्रूली को ज़मीन पर गिरा देती है और हम देखते हैं कि एकदम से ही वो ब्रूली के पैर को तोड़ने लग जाती है ताकि वो ब्रूली को उसकी बात सुनने पर मजबूर कर सके। तभी केल चिल्लाती है कि हिलना मत। हम देखते हैं कि केल ने ब्रूली को काफ़ी सारे एनर्जी से बने हुए सर्कल से जकड़ लिया होता है। केल इसके बाद ब्रूली के पैर को छोड़ देती है और एकदम से ही वो ब्रूली के सामने जाती है। वो बोलती है, ब्रूली। ब्रूली ने अपने मुंह में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना रखा होता है और एकदम से ही वो अपनी माउथ बीम को केल पे शूट कर देता है, पर केल वक्त रहते अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है और एकदम से ही वो ब्रूली के चेहरे को पकड़ती है। वो बोलती है, शांत हो जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। एकदम से ही ब्रूली शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि केल की बात ब्रूली तक पहुँच गई। केल बोलती है, बहुत बढ़िया। तभी एकदम से केल कुछ अजीब सा करती है और एकदम से ही वो पावर डाउन कर लेती है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है। वो बोलती है कि ये मैं हूँ केल, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो भाई, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो। सभी सोल्जर्स इस चीज़ को देख के हैरान जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या कर रही है, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में क्यों चली गई? दूसरा सैयन बोलता है कि वो पागल है। एडमिरल लिरिक बोलते हैं कि नहीं, जो वो कर रही है उसे करने दो। इसके बाद केल अपने माथे को ब्रूली के माथे के नज़दीक ले जाने लग जाती है। जैसे ही ब्रूली और केल का माथा टच होता है एकदम से ही कुछ होता है और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में एक माइंड का लिंक बन रहा है। तभी एकदम से ही केल के मन में एक आवाज़ आती है, चिल्लाए। केल एकदम से ही अपनी आंखें खोलती है और इस वक्त वो कहीं और पर है। वो बोलती है, ब्रूली मैं तुम्हारे मन की आवाज़ को सुन सकती हूँ। केल हैरानी से किसी को देख रही होती है और हम देखते हैं कि उसके सामने ब्रूली है जो कि ज़मीन पर बैठा हुआ है बिल्कुल शांति से। केल बोलती है, यहाँ क्या तुम मुझे सुन सकते हो? केल बोलती है, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम स्ट्रगल कर रहे हो,
ताकि तुम अपना कंट्रोल ना खो दो। मैं ये बात जानती हूँ क्योंकि जिस एनर्जी बॉन्ड से मैंने तुम्हें पकड़ रखा है वो तुम्हारी ताकत को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं है। तब भी तुम्हारा शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि तुम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो अपना कंट्रोल वापस ले लो जब तक तुम्हारे पास चांस है, एकदम से मुरली बोलता है। वो बोलता है नहीं। केल बोलती है पर तुम्हें ये करना होगा। ब्रोली बोलता है कि तब तक नहीं जब तक वो उसकी कीमत नहीं चुकाता। केल ब्रोली को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो उसकी कीमत चुकाएगा। उस डीमन को हम इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर करेंगे, पर मैं तुम्हें इस तरीके से वापस नहीं जाने दे सकती, क्योंकि तुम सिर्फ उस पर अटैक नहीं करोगे, तुम आसपास के लोगों पर भी अटैक कर रहे हो, और यहां से आगे हम किसी और को खोने नहीं दे सकते। ब्रोली की एनर्जी एकदम से ही डार्क होने लग जाती है और वो इस डार्क एनर्जी से घिरने लग जाता है। ब्रोली बोलता है कि अगर तुम इस बात से एग्री नहीं कर रही हो तो फिर ये मैं खुद ही कर लूँगा। हम देखते हैं कि ब्रोली को चारों तरफ से डार्क एनर्जी ने घेर लिया होता है। ये डार्क एनर्जी उसी की बजरकर फॉर्म की है और उसके गुस्से की। केल बोलती है नहीं। केल और ब्रोली दोनों ब्रोली के माइंड से बाहर आ चुके होते हैं और केल एकदम से ब्रोली से दूर होने लग जाती है। हम देखते हैं कि ब्रोली सारे के सारे एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ देता है। केल समझ चुकी है कि ब्रोली पहले के भी मुकाबले और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और एकदम से ही वो ट्रांसफॉर्म होती है और अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में चली जाती है। केल अपने आप को बचाने के लिए ब्रोली से दूर हो रही होती है और हम देखते हैं कि ब्रोली और भी ज़्यादा बिजर्क हो चुका होता है। वो केल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। केल जानती है कि अब उसे ब्रोली को चोट पहुँचानी ही होगी। वो ना चाहते हुए भी एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे किसी भी तरीके से इसे रोकना होगा। पर इससे पहले कि केल अपने अटैक को चार्ज कर पाती, हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ही आगे बढ़ के उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और इस पॉइंट पर भी केल अपने बारे में नहीं सोच रही होती। वो ब्रोली को समझाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि प्लीज़ अपने होश को संभालो, मैं जानती हूँ कि तुम ये कर सकते हो। पर ब्रोली पर केल की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। हम देखते हैं कि ब्रोली केल के हाथों को छोड़ देता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच केल के चेहरे पर मारता है। ब्रोली का ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि केल एकदम से ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाती है और एकदम से अपनी बेस फॉर्म में चली जाती है। केल के मुँह से खून निकलने लग जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से ही केल को देखता है। हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल बहुत तेज़ी से अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में उड़ रही होती हैं। उनकी कमर पे लीमो होता है और उन्होंने चिल्लाए की बॉडी को पकड़ा हुआ होता है। वो अपने सामने कोई जगह देखती हैं और बोलती है कि हम यहाँ पहुँच गए, और उनके सामने होती है टफस लेबॉरेटरी। हम देखते हैं कि काबा वहाँ पे पहले ही पहुँच चुका है और काबा जैसे ही एडमिरल फिनेल को देखता है वो एकदम से ही आवाज़ दबाता है, एडमिरल फिनेल। और तभी वो चिल्लाए की हालत को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या चिल्लाए को ये क्या हुआ। एडमिरल फिनेल बहुत तेज़ी से लेबॉरेटरी के अंदर जाती हैं। चिल्लाए की हालत हर सेकंड के साथ ख़राब होती जा रही है। उसका खून लगातार निकल रहा होता है और वो कुछ डॉक्टर्स को देखकर बोलती है कि इसका ध्यान रखना, इसकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर्स आपको कुछ करना होगा। बुलमा भी टफस लेबॉरेटरी में ही थी और वो देखकर पहचान जाती है कि ये चिल्लाए है। वो बोलती है क्या ये चिल्लाए को क्या हुआ। एडमिरल फिनेल चिल्लाए की बॉडी को एक पलंग पर लिटा देती हैं और बुलमा दूर से ये देख रही थी। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि एक डीमन ब्रोली को गुस्सा दिलाना चाहता था और आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गया। हम देखते हैं कि चिल्लाए अभी भी जिंदा है और उसे ऑक्सीजन लगा दी गई है, पर उसकी चोट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसके पेट में बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका है। पर अच्छी बात यह है कि चिल्लाए के सही होने की वजह से अभी भी ब्रोली को शांत करने के चांसेस बाकी हैं। बुलमा चिल्लाए को देखकर बोलती है कि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, पर अच्छी बात यह है कि वो अभी भी हमारे साथ है, हमें बस उम्मीद करनी होगी कि सब कुछ सही हो। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि हमें लगा ही नहीं था कि वो डीमन ऐसा कुछ कर देगा, जो वो करना चाहता था उसे करने में वो सक्सेसफुल हो गया, और अब देखो हम यहाँ पर हैं। कलीफ्ला भी चिल्लाए के पास ही होती है। वो बोलती है काश हम उसे सही समय पे रोक पाते। काबा बोलता है कि जो हुआ उस बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, मिस्टर वेजिटा ने हमें मिसिस बुलमा की रक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। बुलमा बोलती है कि तुम लोग किसी डीमन की बात कर रहे हो, पर मैंने यहाँ पर किसी भी डीमन के ट्रेसेस नहीं देखे। एडमिरल फिनेल बोलती हैं कि वो हमसे काफ़ी पहले निकला था, सच में ये कमाल की बात है कि वो यहाँ पर अभी तक कैसे नहीं पहुँचा। कलीफ्ला बोलती है कि हो सकता है कि उसने सोचा हो कि वो वापस चला जाए जब उसे पता चला हो कि उसे चेज़ किया जा रहा है। काबा बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, अभी तक उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके हिसाब से ऐसा होना मुश्किल है। तभी वहाँ पर पारसा भी आ जाता है और बोलता है कि मैंने पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगा लिए और जो लोग यहाँ पर अकेले थे और ख़तरे में लग रहे थे उन्हें मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये बिल्डिंग अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खाली है। बुलमा बोलती है थैंक यू नौजवान। बुलमा बोलती है पारसा तुम जहाँ पर गए थे क्या तुम्हें वहाँ पर कोई ईवल प्रेजेंस महसूस हुई थी। पारसा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है या बुरी, पर जहाँ भी मैं गया था मुझे वहाँ पर वो महसूस नहीं हुआ।
तभी हम देखते हैं कि पार्सा के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसे कुछ महसूस होने लग जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, पार्सा तो तुम्हारा नाम ये है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही अंधेरे में से निकल के सलाका बाहर आता है और पार्सा से बोलता है कि हो सकता है तुम्हें कोई याद ना रखे, पर एटलीस्ट तुम हमेशा ही मेरे सबसे पहले विक्टिम के तौर पर जाने जाओगे। सलाका इसकी बात पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि पार्सा के साथ कुछ हो रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी जम सी गई होती है। सलाका बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम हिल नहीं पा रहे? ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी है, अगर ऐसा है तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। सलाका ये बोलते बोलते ही एकदम से पार्सा के बराबर में आ जाता है। इसके बाद सलाका पार्सा के सामने आता है और बोलता है कि मैं सिर्फ इस प्लान को अंजाम दे रहा हूँ। वेनरेबल हेयर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मुझे इस बुलमा का ध्यान रखना है और तुम मेरे रास्ते में हो। एकदम से ही सलाका के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक आ जाता है। वो बोलता है कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा वैसे ही सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, पर मुझे अभी नहीं तो कुछ देर बाद अपना काम तो शुरू करना ही है। तो चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हारे एहसान में रहूँगा जब भी हम हमारी आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। ये बोलते ही सलाका अपने हाथ को पार्सा के शरीर के आर पार निकाल देता है। हम देखते हैं कि पार्सा दर्द से कराहने लग जाता है और उसके मुंह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से खून निकल रहा होता है। सलाका के चेहरे पर ज़रा सी शिकन भी नहीं आती। सलाका ने पार्सा को जमा दिया था, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ देर तक वो दर्द से कराहता रहता है और उसके मुँह से खून निकलता रहता है, पर कुछ ही पलों के अंदर अंदर उसकी आंखें लाइफ लेस हो जाती हैं। बुलमा, फिनर और बाकी जो लोग इस रूम में थे उन्हें समझ ही नहीं आता कि पार्सा के साथ ही क्या हुआ। उन्हें सिर्फ पार्सा के शरीर में एक गड्ढा दिखता है और वो ज़मीन पे गिरता हुआ दिख रहा होता है। बुलमा बोलती है, अरे नहीं। एडमिरल फिनर चिल्लाती हैं, पार्सा। हम देखते हैं कि कलिफ्ला और काबा दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें एकदम से समझ आ जाता है कि इस रूम में उनके साथ ज़रूर कोई और है। कलिफ्ला चिल्लाती है कि वो डीमन यहाँ पर आ चुका है। काबा तभी बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वो मिस बुलमा के पीछे है, ना कि चिल्लाई के। एडमिरल फिनर एकदम से ही सुपर सीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम सही बोल रहे हो। वो बुलमा को लेके इस रूम से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि काबा, कलिफ्ला और एडमिरल फिनर बुलमा को लेके इस रूम से बहुत तेज़ी से बाहर भाग रहे होते हैं। तभी हम लोग एक कमरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेफ्यूजीज बैठे हैं और वहाँ पर एक शख्स है जो कि लोगों को गिन रहा है, और ये शख्स अभी तक अपनी गिनती में 78 लोगों को गिन चुका होता है। और वो अपनी गिनती को बीच में ही रोककर बोलता है कि अगर यहाँ पर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बताने में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बुलमा की दोस्त भी है, जो सबसे पहली दोस्त बुलमा ने इस प्लैनेट पर आने के बाद बनाई थी। बुलमा की दोस्त उसी शख्स को देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे फादर सच में बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। मैं सच में होप करती हूँ कि बुलमा सही सलामत होगी, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे हम लोगों के साथ दिख नहीं रही है। मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। हम देखते हैं कि बुलमा की दोस्त के साथ उसका बेटा भी है, यानी कि जो शख्स गिनती कर रहा है वो उसका फादर है, और ये तीनों लोग फैमिली हैं। उसके बेटे को तभी कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो एकदम से ही उठ जाता है। उसकी मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता और एकदम से ही वो चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो कूद कर एकदम से ही वहाँ से जाने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि काबा भी भाग कर कहीं पर आ रहा होता है और वो इस वक्त एक गैलरी में है। तभी हम देखते हैं कि काबा रुकता है और कलिफ्ला को देख रहा होता है। वो इस वक्त डीमन सलाका को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काबा बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला? कलिफ्ला बोलती है, नहीं। और तुम्हें? तभी हम देखते हैं कि काबा और कलिफ्ला को एकदम से ही दर्द से कराहने की आवाज़ आने लग जाती है, और ये दर्द से कराहने की आवाज़ एडमिरल फिनेल निकाल रही होती हैं। एडमिरल फिनेल की आँखें भी पूरी तरीके से वाइट हो चुकी होती हैं। बुलमा फिनेल को देख के डर जाती है और बोलती है, नहीं। काबा और कलिफ्ला एकदम से ही फिनेल की तरफ भाग कर जाने लग जाते हैं, और काबा चिल्लाता है कि वो कमीना एडमिरल फिनेल के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसने पार्सा के साथ किया था, हमें उसे रोकना होगा। एडमिरल फिनेल के साथ कुछ हो रहा होता है और शायद अब वो भी मारे जाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल भी उस अंधेरे वाली जगह पर हैं और उनके सामने सलाका है। सलाका एडमिरल फिनेल से बोलता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? बहुत बढ़िया, तुम मेरी सेकेंड विक्टिम हो, मुबारक हो। सलाका एडमिरल फिनेल की भी छाती को चीर कर उन्हें मारने वाला होता है, और हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल भी अपने आप को हिला नहीं पा रही होती। तभी कुछ ऐसा होता है कि सलाका हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या? हम देखते हैं कि कलिफ्ला बहुत तेज़ी से आके फिनेल की बॉडी को हिट करती है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारती है। काबा और बुलमा बहुत हैरान होते हैं, और हम देखते हैं कि सलाका के माइंड ट्रैप में भी फिनेल गिरने लग जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस वहाँ से गायब हो रही होती है। सलाका बोलता है, अच्छा अब मैं समझा।
आखिरकार एडमिरल फिनेल को होश आ जाता है और उनके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलती हैं थैंक्स कलिफ्ला। उनके मुंह से खून निकल रहा होता है पर एटलीस्ट वो खुश हैं कि उनकी जान बच गई। तभी बुलमा के बराबर में कुछ होने लग जाता है और हम देखते हैं कि सलागा अपने फिजिकल फॉर्म ले रहा होता है। सलागा की बॉडी धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रही होती है और बुलमा बहुत सारा डरी हुई होती है क्योंकि ये सब कुछ बुलमा के बराबर में हो रहा था। सलागा फिजिकल फॉर्म लेने के बाद बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। एडमिरल फिनेल एकदम से ही सुपर सीन फॉर्म ले लेती हैं और बोलती हैं कि मैं तुम्हारे जैसे एनचेंट्रेस को पहले से जानती हूँ। तुम सबसे बुरा बस इतना कर सकते हो कि हम लोगों को हिप्नोटाइज करके हिलने से रोक सको। इसीलिए मैंने अपने साथियों को वार्न कर दिया था कि वो ज़रा ध्यान रखें। इसीलिए हम लोगों को साथ रहने की ज़रूरत है ताकि हम लोग रिएक्ट कर सकें जब तुम हमें से किसी को पकड़ लो। एडमिरल फिनेल कलिफ्ला की तरफ देखकर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया कलिफ्ला, तुमने एडमिरल रूबा की टीचिंग्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तुमने बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया ये सोचते सोचते कि इस लेवल के स्पेल्स को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। कलिफ्ला अपनी पढ़ाई सुन के खुश होती है और बोलती है कि ये बात तो सच है, उस मोटू ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल तरीके से एक्शन लिया, ये सोचते हुए कि एक ताकतवर शौक उस तरीके के स्पेल को तोड़ सकता है। हो सकता है सुनकर ये काफ़ी नासमझी भरा लग रहा हो पर उसने काम किया। तभी हम सलागा को देखते हैं जो कि बहुत ही ईवल स्माइल के साथ बुलमा की तरफ देख रहा होता है। सलागा बोलता है कि इतने पावरफुल स्पेल में कुछ ना कुछ तो बैकलैश ज़रूर होता है। सच में तुमने बहुत बढ़िया किया पर इस वक्त मैं बिल्कुल वहीं पर हूँ जहाँ पर मैं होना चाहता था। हम देखते हैं कि बुलमा सलागा के पीछे डरी हुई होती है क्योंकि बुलमा की जान इस वक्त बहुत ही बड़े खतरे में है। सलागा आखिरकार अपनी पूरी फिजिकल फॉर्म ले लेता है और बुलमा के सामने खड़ा होता है। बुलमा डर के मारे ज़मीन पर गिर जाती है क्योंकि वो जानती है कि अब उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है। तभी हम देखते हैं कि सलागा एकदम से अपने हाथ को बुलमा की तरफ बढ़ाता है जैसे कि वो उठने के लिए उसकी मदद करना चाहता हो पर उसके चेहरे पर काफ़ी ईवल स्माइल होती है। जैसे ही सलागा बुलमा की तरफ बढ़ रहा होता है एकदम से एक बहुत ही पावरफुल बीम उसके सर से होती हुई निकलती है। सलागा के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है और अब उसके चेहरे पर शौक और गुस्सा है। तभी हम देखते हैं कि इस बीम को किसने शूट किया था। ये होता है काबा और काबा एकदम से चिल्लाता है कि उन्हें छूना मत। ऐसा लगता है कि काबा के इस अटैक की वजह से सलागा मारा जाएगा क्योंकि उसके सर में से धुआं निकल रहा होता है। सलागा एकदम से ही अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर फिर से बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। सलागा बिल्कुल सही सलामत होता है और एकदम से ही काबा चिल्लाता है कि मेरा अटैक उसके आर पार चला गया। कलिफ्ला बिल्कुल शौक में होती है और वो बोलती है कि क्या उस अटैक ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, काबा ने उसके सर को चीर दिया था। सलागा एक स्माइल के साथ बोलता है कि मेरे पास एक से कहीं ज़्यादा ट्रिक्स हैं मेरे दोस्त। सलागा इसके बाद बुलमा की तरफ देखता है जो कि डरते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। सलागा बोलता है कि अब हम दोनों ही यहाँ पर हैं। तभी सलागा को कुछ महसूस होता है और एकदम से हम देखते हैं कि दो बहुत ही ज़बरदस्त एयर पंच आके उसे लगते हैं। सलागा पीछे की तरफ जाकर गिरने लग जाता है और इसके बाद वो खुद को संभालता है। बुलमा समझने की कोशिश करने लग जाती है कि अभी क्या हुआ और एकदम से ही वो साइड में देखती है। वो बोलती है ये तो, हम देखते हैं कि ये बुलमा की फ्रेंड का दोस्त होता है जिसका नाम है पेपिनो जो कि एक सैयन और टफल हाइब्रिड है। पेपिनो की मॉम एक सैयन और डैड एक टफल हैं। बुलमा डरते हुए बोलती है पेपिनो क्या ये तुम हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बहुत खतरनाक है। पेपिनो बहुत सीरियस होता है और वो लड़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। वो बोलता है बुलमा चिंता मत करो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। सलागा एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है जैसे कि वो बीच में आ रही रुकावटों की वजह से थक गया हो। सलागा एकदम से अपना हाथ उठाता है और एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट पेपिनो की तरफ शूट करता है। अनफॉर्चुनेटली पेपिनो अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा पाता और ये अटैक उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो दर्द से चिल्लाता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। काबा और कलिफ्ला को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके सामने एक और उनका सैयन साथी मारा गया। हम देखते हैं कि पेपिनो की बॉडी ज़मीन पर पड़ी होती है और उसकी आंखें बिल्कुल बेजान लग रही होती हैं। उसके शरीर के बीच में गड्ढा होता है पर अजीब बात यह होती है कि इतने बड़े घाव के बावजूद भी उसके शरीर में से खून नहीं निकल रहा होता, ये उसके घाव जल जाने की वजह से भी हो सकता है। बुलमा बिल्कुल चौंक जाती है, उसके सामने उसके दोस्त के बेटे की मौत हो गई और इसके बाद सलागा बोलता है कि इसको मिलाकर दो हो गए। एकदम से ही कलिफ्ला और काबा पावर अप करते हैं। हम देखते हैं कि काबा सुपर सैयन 2 में चला जाता है और कलिफ्ला सुपर सैयन 1 में। काबा और कलिफ्ला दोनों एक साथ सलागा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और दोनों ही उसके पीछे पहुंच जाते हैं। सलागा अपनी जगह पर खड़ा रहता है। सलागा अपनी जगह पर खड़े खड़े अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है और हम देखते हैं कि सलागा के दो पंचेस कलिफ्ला और काबा के चेहरे पर लगते हैं। दोनों के मुँह से खून निकल रहा होता है। सलागा इसके बाद शांति से बोलता है कि मैं काफ़ी खेल लिया। तभी हम एक बार फिर से पेपिनो को देखते हैं
पेपिनो एकदम से ही उठने लग जाता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है। पेपिनो के शरीर के बीच में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था जो कि धीरे धीरे करके हील होने लग जाता है। तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग इन प्रोग्रेस। सलागा बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल। पेपिनो बोलता है कि देखो फिर भी ऐसा हो गया। पेपिनो जागने के बाद एकदम से ही अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। पेपिनो बोलता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अभी अभी मुझे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है और इसके बावजूद भी मैं इतना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत ही अजीब फीलिंग है। पेपिनो को अभी अभी ज़ेन का ही बूस्ट मिला है। जब भी कोई सैयन या हाइब्रिड सैयन एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकलता है और सर्वाइव करता है तो उस एक्सपीरियंस के बाद उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वही चीज़ पेपिनो के साथ भी हुई है। सलागा इसके बाद पेपिनो की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम भी मैजिक का इस्तेमाल करते हो, कमाल की बात है, पर तुम इस वक्त यूनिवर्स 14 के सबसे महान मैजिशियन की तरफ देख रहे हो, तुम्हें जल्द ही पछतावा होने वाला है कि तुम फिर से क्यों उठे। पेपिनो जवाब देता है, क्या मैजिक, मैं इन बकवास चीज़ों में विश्वास नहीं करता, तुम इस वक्त यूनिवर्स 6 के सबसे महान टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड में हो, मैं ये साबित करके रहूँगा कि तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स मेरे खिलाफ काम नहीं करने वाली। सलागा एक स्माइल के साथ इस बात का जवाब देता है और बोलता है कि एक शख्स जो कि सोच नहीं सकता उसके पंख भी नहीं होते। सलागा बोल रहा है कि चाहे वो उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले पर सलागा बुलमा को मार कर ही रहेगा। पेपिनो इस बात पे हंसता है और बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो। पेपिनो एकदम से पीछे देख के चिल्लाता है और बोलता है, तुम तीनों बुलमा को लो और यहाँ से भागो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। पेपिनो एकदम से अपने हाथ में टेक्नोलॉजी की मदद से एक शील्ड बनाता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे बुलमा है और एकदम से ही वो सलागा पे अटैक करना शुरू कर देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम देखते हैं कि हमारे तीनों वॉरियर्स कलीफ्ला, काबा और एडमिरल फिनेल बुलमा को लेके वहाँ से निकलने लग जाते हैं। इसी बीच पेपिनो और सलागा की लड़ाई जारी होती है। तभी हम देखते हैं कि सलागा के चेहरे पे बहुत ही ईवल स्माइल आ जाती है, जिसका मतलब यह है कि पेपिनो के अटैक से सलागा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सलागा अपने कंधों को छू कर कुछ कर रहा होता है। हम देखते हैं कि अचानक से ही उसके कंधों में से डार्कनेस निकलने लग जाती है। उसके हाथ उसके कंधे से अचानक से ही किसी मैजिक की वजह से अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि पेपिनो बिल्कुल चौंक जाता है। सलागा एकदम से ही अपने हाथों से पेपिनो को पकड़ लेता है और अपने शोल्डर से निकल रहे मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हल्का सा दूर ले जाता है और एकदम से ही ऊपर की तरफ फेंक देता है। सलागा के इस अटैक की वजह से पेपिनो छत से टकराता है और छत को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। सलागा ने पेपिनो को इतने ज़बरदस्त तरीके से फेंका होता है कि वो 4-5 छतों को तोड़कर ऊपर जा रहा होता है और आखिरकार एक छत से टकरा के रुकता है। पेपिनो इतनी सारी छतों से टकराने के बाद भी घायल नहीं हुआ होता। वो बोलता है कि लगता है ये रहम तो नहीं करने वाला। अचानक से ही पेपिनो चौंक जाता है और एकदम से ही वो देखता है कि उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर सलागा था। पेपिनो घबराया हुआ सलागा की तरफ देखता है। सलागा बोलता है कि मुझे रोकने की कोशिश करो अपनी फालतू की टेक्नोलॉजी की मदद से। अचानक से एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है और इस धमाके की आवाज़ बुलमा तक पहुँचती है। बुलमा एकदम से बोलती है कि क्या तुमने वो आवाज़ सुनी। कलीफ्ला पीछे काबा की तरफ देखती है और बोलती है कि ये बहुत बुरा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक टफल उसे रोक पाएगा। तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो अपने आप को ब्लास्ट से बचाने में कामयाब हो गया होता है। पेपिनो ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड को काफ़ी बड़ा कर लिया था। तभी वो सलागा से एक सवाल पूछता है कि तुम इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते थे पर तुमने नहीं किया, क्या इसका कोई रीज़न हो सकता है। सलागा इस क्वेश्चन का जवाब देता है और बोलता है कि वेनरेबल हेयर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं इस बुलमा को ठिकाने लगा सकूं। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि अपने रास्ते में आने वाली हर लाइफ फॉर्म को मैं तबाह कर दूँ। सैयंस का ये ग्रुप मेरे रास्ते में आ रहा है और रुकावटें पैदा कर रहा है और मुझे मेरे गोल तक पहुँचने से रोक रहा है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुम भी वही कर रहे हो। आज मैं काफ़ी ज़्यादा रहमदिल मूड में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम अपनी लिस्ट में से हटा सकता हूँ। अचानक से ही सलागा को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि पेपिनो सलागा के पीछे पहुँच गया है। पेपिनो सलागा की गर्दन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और बोलता है कि तुम तो सिर्फ एक होलोग्राम से उल्लू बन गए। मिस्टर मैजिशियन, मैं तुम्हारी जादुई आंखों पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि पेपिनो जैसे ही ये बोल रहा होता है पेपिनो का होलोग्राम जो कि सलागा के सामने था वो एकदम से गायब हो जाता है। पेपिनो एकदम से ही उल्टा होता है और सलागा की गर्दन को पकड़ के उसे ज़मीन की तरफ ले जाने लग जाता है ताकि वो सलागा के सर को ज़मीन पर मार सके। पर तभी एकदम से पेपिनो हैरान होता है। हम देखते हैं कि सलागा के चेहरे पर स्माइल है। सलागा बोलता है कि क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि ये भी सिर्फ एक सॉलिड इल्यूजन है, क्या तुम्हारी आंखों को भी उससे धक्का लगेगा। एकदम से ही हम देखते हैं कि असली सलागा पेपिनो के पीछे आ जाता है और एकदम से पेपिनो की गर्दन को पकड़ के दबाने लग जाता है। पेपिनो बोलता है कि कैसे। पेपिनो ने जिस सलागा को पकड़ा हुआ था वो एकदम से ही गायब होने लग जाता है। सलागा पेपिनो के पीछे हंस रहा था
और बोलता है कि लगता है तुम मेरे छलावे के बिल्कुल बीच में आ गए। पर हम देखते हैं कि पेपिनो अभी भी हार नहीं मानता। वो एकदम से चिल्लाता है और अपनी गर्दन को सलाका से छुड़वाता है। एकदम से वो बोलता है कि लगता है तुम्हें तबाह नहीं किया जा सकता, लगता है तुमने मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है बेवकूफ़। हम देखते हैं कि पेपिनो के चारों तरफ अचानक से ही हवा चलने लग जाती है। हम देखते हैं कि सलाका ने पेपिनो को बस ऐसे ही नहीं छोड़ा था। सलाका के हाथ में से खून निकल रहा होता है और सलाका बहुत ही हैरानी से पेपिनो की तरफ देख रहा था। एकदम से हम देखते हैं कि जैसे पेपिनो ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। पेपिनो के चारों तरफ बहुत तेज़ी से हवा चलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी टोर्नेडो ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। आखिरकार हमें पता चलता है कि पेपिनो के साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि पेपिनो के हाथ में से बहुत ज़ोर से हवा निकल रही होती है। जो टोर्नेडो हमें दिख रहे होते हैं वो पेपिनो के हाथों से ही निकल रहे थे। पेपिनो इसके बाद बोलना शुरू करता है कि जब से मैं बच्चा था मेरी ताकत कभी भी प्योर साइंस की नेचुरल सुपर पावर तक नहीं पहुंच पाई। इसका कारण ये था कि हाइब्रिड होने की वजह से मेरे डीएनए पे टफल डीएनए हावी था, जिसकी वजह से मेरी इंटेलेक्चुअल साइड मेरी स्ट्रेंथ वाली साइड से ज़्यादा मजबूत थी। तभी हम पेपिनो को उसके बचपन में देखते हैं, जहाँ पर सब उस पर हंस रहे थे और वो रो रहा था। दूसरे बच्चे उसे ये कहकर चिढ़ाते थे कि पेपिनो एक बास्टर्ड है। भले ही किंग सडाला हमेशा से ही हम सभी लोगों को मिलाना चाहते थे, पर नस्लों की मिलावट हमेशा से ही वेलकम नहीं की जाती, स्पेशली पुरानी सोच वाले साइंस के बीच। इसके बाद हम पेपिनो की एक मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसके सामने हंस रही होती हैं। पेपिनो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा यही कह के समझाते थे कि वो लोग सिर्फ अनसिविलाइज्ड हैं और हम लोग कभी भी दुनिया में बदलाव नहीं ला सकते अगर वहाँ पर सभी एक तरीके के लोग होंगे तो। इसीलिए मैं खुद को हमेशा से ही यही साबित करना चाहता था कि मैं ताकतवर बन सकता हूँ अपने तरीके से। हम पेपिनो की मेमोरी में देखते हैं कि वो किसी तरीके के प्लान्स पे काम कर रहा होता है। पेपिनो बोलता है कि मैंने सालों तक मेहनत करी ताकि मैं स्ट्रेंथ के नेचुरल गैप को किसी तरीके से कम कर सकूं, और आखिरकार मुझे एक तरीका मिल गया। हम देखते हैं कि पेपिनो के चेहरे पे स्माइल होती है और वो हंसते हुए अपना नया अटैक दिखाता है। वो बोलता है कि चलो ये देखो मेरा मास्टरपीस, ये है मेरा ट्वर्लिंग फोर्स। इसके बाद हम एक प्लैनेट को देखते हैं, जिस प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट लेस्टिया। हम देखते हैं कि हर जगह किसी वजह से रेड और येलो रंग की रोशनी फैली हुई होती है। और तभी हम वीज को देखते हैं, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है। तभी हम एक चेहरे को देखते हैं, उस चेहरे पे हर जगह चोटें लगी हुई होती हैं। गोटन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग के सेकंड स्टेज को शुरू हुए कई महीने बीत चुके हैं और ये सिर्फ बहुत ही मजबूत विल और डिज़ायर की वजह से हुआ है कि आज गोकू और वेजिटा के दोनों बेटे गॉड की के रैंक तक पहुँच गए हैं। हम देखते हैं कि गोटन की बॉडी में से रेड रंग का ऑरा निकल रहा होता है और उसकी आंखें भी रेड रंग की हो जाती हैं। और पहली बारी हम देखते हैं गोटन और ट्रंक्स दोनों अपनी गॉड की का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बारी कोई हाइब्रिड सैयन गॉड लेवल तक पहुंचा है। और आखिरकार हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि हर तरफ रेड और येलो रंग का ऑरा क्यों फैला हुआ था। तभी हम देखते हैं कि गोटन और ट्रंक्स आखिरकार अपने अचीवमेंट पे खुश होते हैं। ट्रंक्स बोलता है फाइनली, गोटन बोलता है हाँ। बीस इसके बाद खुश होते हुए अपने दोनों स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं सच में तुम दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा तुम्हारे पिछले कुछ महीने की प्रोग्रेस पर। इस वक्त तुम्हारा जो पावर लेवल है वो उसके आसपास भी नहीं है जब तुमने धरती को छोड़ा था। इसके अलावा तुम लोगों ने 9 बारी ट्राई किया है और हर बारी तुम मौत को छू कर निकले हो। अगर तुम लोगों ने एक बारी और कोशिश करी होती तो मुझे विश्वास है कि तुम लोग मारे जाते, और उस सिचुएशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे पहले तुमने क्या ट्रेनिंग करी थी। गोटन और ट्रंक जैसे ही बीस के मुँह से ये बात सुनते हैं एकदम से ही वो चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं क्या मारे जाते? तभी हम देखते हैं कि बीस एकदम से स्माइल करता है और बोलता है कि अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी बॉडीज़ को काफ़ी सारे जेनकाई बूस्ट मिले हैं, हमने जो रिस्क लिया उसका इनाम उसके लायक था। गोटन और ट्रंक्स को बहुत सारे जेनकाई बूस्ट मिले हैं, जिसका मतलब यह है कि एटलीस्ट वो 9 बारी मौत के मुँह से बचकर आए हैं। एकदम से ही ट्रंक्स अपने फादर वेजिटा के बारे में सोचने लग जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि डैड मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपने क्या कुछ सहा होगा इतना ताकतवर बनने के लिए। तभी एकदम से हम देखते हैं कि गोटन पावर डाउन करता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोटन उबासी लेते हुए बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बारी सोचा कि हम लोग मरने वाले हैं। तभी ट्रंक्स भी पावर डाउन कर लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि आखिरकार हमने अपना ये माइलस्टोन सोच से पहले अचीव कर लिया। वीस हम दोनों आपका दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे। ट्रंक्स इसके बाद वीस को थम्सअप देता है और गोटन वीस के सामने झुकता है। ट्रंक्स बोलता है कि अब हम दोनों मेरे फादर के पास जाएंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे और अपनी आगे की ट्रेनिंग हम यूनिवर्स 6 के साइंस के साथ ख़त्म करेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि वीस के चेहरे पर अजीब सी स्माइल होती है। ट्रंक्स और गोटन अपनी ट्रेनिंग ख़त्म होने की खुशी में गले लगते हैं और एक दूसरे को फिस्ट बम करते हैं। गोटन बोलता है कि मैं इस बारे में काफ़ी लंबे समय से सोच रहा हूँ, पर उससे पहले मुझे लगता है कि मैं धरती पर एक चक्कर लगाना चाहूँगा।
ताकि मैं मॉम, पेन और पिकलो से मिल सकूं और बाकी सभी लोगों से भी। ट्रंक्स बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लगता है कि ब्रा ये सोच रही होगी कि हम सभी कहाँ चले गए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। ट्रंक्स और गोटन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं और गोटन एकदम से चिल्लाता है कि उसके बाद हम डैंडे और मिस्टर पोपो के पास भी जा सकते हैं, मैं उनके बनाए खाने को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वीस एकदम से दूसरी डायरेक्शन में मुड़ता है। ऐसा लगता है कि वीस गोटन और ट्रंक्स की बातों को सुन ही नहीं रहा। तभी एकदम से ट्रंक्स चिल्लाता है, वीस क्या तुम हमारे बाल काट सकते हो, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। ट्रंक्स एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर गोटन की तरफ देखता है और बोलता है, गोटन हमारे कपड़ों के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है और मैं ये तुम्हारे को ज़रूर दिखाऊंगा, एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, सोच कर देखो ये कितना क्लासी लगेगा। गोटन बोलता है, क्या सच में? तभी हम देखते हैं कि वीस आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर गोटन, ट्रंक्स और वीस है वहाँ पर आसपास पानी है। वीस बोलता है कि क्या तुम लोग अपने अगले टेस्ट के लिए तैयार हो? गोटन और ट्रंक्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एकदम से चिल्लाते हैं, क्या अगला टेस्ट? क्या सुपर सैयन गॉड बनना तीसरा और आखिरी टेस्ट नहीं था? तभी हम देखते हैं कि वीस एकदम से अपने स्टाफ को ज़मीन पर मारता है और पानी में काफ़ी सारी लहरें जाती हैं। अचानक से ही हम देखते हैं कि गोटन, ट्रंक्स और वीस किसी और जगह पर आ जाते हैं। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि क्या ये जगह प्लैनेट लेस्टिया पर ही है या फिर कहीं और पर है। हम देखते हैं कि गोटन, ट्रंक्स और वीस के सामने एक गेट भी होता है। गोटन, ट्रंक्स और वीस उस गेट के सामने बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे होते हैं। इसी के साथ हम इस प्लैनेट की काफ़ी सारी लाइफ फॉर्म्स को भी देखते हैं जो कि काफ़ी कुछ धरती की तरह होती हैं पर बहुत ज़्यादा अलग भी होती हैं। गोटन और ट्रंक्स एकदम से शांति से बैठ जाते हैं और ट्रंक्स पूछता है, वीस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वीस बोलता है कि ग्रैंड फीस्ट के अनाउंसमेंट को लगभग 6 महीने से कुछ ही समय ऊपर हुआ है, अब तुम लोगों के पास गॉड की आ गई है और तुम लोग सुपर सैयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पर इस आगे आने वाली जंग में तुम लोग अपनी करंट ताकत के साथ सिर्फ एक दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। गोटन हैरानी से पूछता है कि जो गॉड्स हमारे खिलाफ हैं क्या वो सच में इतने ताकतवर हैं? वीस इसके बाद पुरानी बैटल्स को याद करने लग जाता है और बोलता है कि तुम पिछली बैटल्स के टाइम पर नहीं थे, ना ही जमासू के टाइम पर और ना ही टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पर, तो कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है अभी तुम इस बारे में सही तरीके से जज नहीं कर सकते, पर सच में तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ जो तुम्हारे दुश्मन होंगे वो कितने ताकतवर होंगे। वीस उन यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है जो कि इरेज कर दिए गए थे। ट्रंक्स बोलता है कि पर मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक रहेगा, मेरे फादर भी तो वहाँ पर होंगे, उनके अलावा माजिन बू, गोहान, पिकलो, एंड्रॉयड 17 और बाकी लोग भी तो वहाँ पर होंगे, और इसके अलावा वो फेमस जेनन भी तो है जिसके बारे में फादर ने मुझे बताया था। तभी वीस एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ बोलता है कि अगर लॉर्ड बीरस भी इस पूरी लड़ाई के बाद जिंदा बची तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ट्रंक्स और गोटन जैसे ही ये बात सुनते हैं एकदम से ही वो बहुत सारा डर जाते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि वीस क्या बोल रहा है, उन्होंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी, पर ये बात उन्हें भी पता है कि वो लोग इस वक्त लॉर्ड बीरस के आसपास भी नहीं हैं और अगर लॉर्ड बीरस का भी इस लड़ाई में जिंदा रह पाना मुश्किल है तो गोटन और ट्रंक्स तो भला क्या ही कर पाएंगे। गोटन कांपने लग जाता है और ट्रंक्स डरते हुए बोलता है कि पर अगर लॉर्ड बीरस को भी मौत का डर है तो आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वीस इसके बाद ट्रंक्स और गोटन को थोड़ी तसल्ली देता है और बोलता है कि 6 महीने पहले तुम लोग यूनिवर्स 7 के बस एवरेज फाइटर्स थे और अब तुम्हें देखो, तुमने गॉड की को पा लिया है, ये तो बस असली चीज़ की शुरुआत है। मैं इस जगह पर तुम लोगों को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है या फिर कह सकते हो कि जब से मैं एग्जिस्टेंस में आया हूँ तब से मैं यहीं पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस जगह को तुम कुछ उस जगह की तरह समझ सकते हो जिसे तुम लोग हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर कहते हो। ट्रंक समझने लग जाता है कि वीस क्या करना चाहता है और गोटन पूछता है कि क्या हम लोग 1.5 साल में कैचअप कर पाएंगे। वीस के पीछे जो गेट था वो अचानक से ही खुलना शुरू हो जाता है। वीस बोलता है कि ये एक ऐसी डायमेंशन है जहाँ पर सिर्फ गॉड की वाले लोग ही जा सकते हैं और इस जगह के अंदर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से तुम्हें कभी भी ले जा सकता हूँ, मेरे अलावा सिर्फ 2 और लोग अंदर रह सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारी फाइनल प्रिपरेशन है, 4 घंटे इस डायमेंशन के अंदर धरती के 1 घंटे के बराबर हैं। इस तरीके से तुम लोगों के पास 1.5 साल के बजाय 6 साल होंगे जिसमें तुम ट्रेन कर सकते हो, अब तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि वीस के पीछे डायमेंशन का गेट पूरी तरीके से खुल चुका होता है। ट्रंक्स हैरानी से पूछता है कि हम लोग इसके अंदर 6 साल तक रहेंगे। गोटन बोलता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम लोग बाहर आएंगे तब हम 22 या 23 साल के हो जाएंगे। हम देखते हैं कि गोटन और ट्रंक्स बड़े होने के बारे में सोचकर डरने लग जाते हैं। वीस बोलता है कि आगे आने वाली जंग में तुम लोगों का हिस्सा लेना ज़रूरी है, तुम्हारी फैमिली और दोस्तों की किस्मत तुम्हारे ही हाथों में है, मुझे ये बात साबित करो कि तुम लोगों को अपना स्टूडेंट के तौर पर लेकर मैंने कोई गलती नहीं करी है। गोटन और ट्रंक्स वीस की बात की सीरियसनेस को समझ जाते हैं और दोनों एक साथ हाँ बोलते हैं। वीस गोटन और ट्रंक्स को हाँ बोलता हुआ देख के खुश होता है और बोलता है, बहुत बढ़िया,
पर अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। इसके अंदर जाने के बाद बाहर आने के लिए गेट सिर्फ एक ही कंडीशन में खुलेंगे। तुम्हें उस जगह पर सक्सेसफुल होना होगा जहाँ पर तुमसे पहले कोई भी नहीं हो पाया। ट्रंक्स ये बात सुन के एकदम से चौंक जाता है और बोलता है, क्या? हम इसके बाद देखते हैं कि बीस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में सोच रहा होता है और उन सभी वॉरियर्स के बारे में भी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, साथ ही साथ गोकू के बारे में जो कि एक डायमेंशन में फंसा हुआ है। बीस बोलता है कि खुद को सरपास कर दो और वो बनो जो कि सन गोकू और मल्टीवर्स को बचाएगा। बीस इसके बाद बोलता है, चलो चलते हैं। हम देखते हैं कि गोट एंड ट्रंक्स बीस के साथ इस डायमेंशन के अंदर जाने लग जाते हैं, एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ पर सिर्फ गॉड की वारी लोग ही जा सकते हैं। तो क्या गोटेन और ट्रंक्स इसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? हम देखते हैं कि काबा, करीफ्ला और एडमिरल फिनेल बुलमा को लेकर लैब से निकलने में कामयाब हो गए होते हैं। तीनों ही अपनी सुपर सीन की फॉर्म में होते हैं। इस वक्त तीनों का सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से बुलमा की जान बचाई जाए। एडमिरल फिनेल ने बुलमा को पकड़ा हुआ होता है और तभी बुलमा बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या हम कुछ देरी के लिए रुक सकते हैं? मुझे लगता है कि हम काफ़ी लंबे समय से उड़ रहे हैं और मैं किसी बारे में बात करना चाहती हूँ। एडमिरल फिनेल पीछे की तरफ देखती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, और इसके बाद वो बोलती है, ठीक है कैप्टन काबा, करीफ्ला, हम लोग लैंड कर रहे हैं, पर अलर्ट रहना। और इसके बाद हम देखते हैं कि काबा, करीफ्ला, एडमिरल फिनेल और बुलमा दो पहाड़ियों के बीच में लैंड करते हैं ताकि वो उन पहाड़ियों के बीच में अपनी सेफ्टी के लिए छुप भी सकें। तभी एकदम से बुलमा बोलती है कि मैं ऐसी सिचुएशन को फिर से इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर अच्छी बात यह है कि मैंने पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए थे। एडमिरल फिनेल बहुत ही हैरानी से पूछती है, प्रिकॉशंस? तभी बुलमा अपनी जेब में से एक कैप्सूल निकालती है और बोलती है कि शायद तुम मेरी कंपनी की टेक्नोलॉजी से पहले ही फैमिलियर होगी, होइपोई कैप्सूल्स जो कि मेरे फादर ने डेवलप किए थे। काबा बोलता है कि बिल्कुल, मैं उस बारे में जानता हूँ। उनका इस्तेमाल बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करने के लिए होता है, जैसे कि घर, खाने की चीज़ें, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके। बुलमा अपने कैप्सूल को अपने हाथ में लेके बोलती है, बिल्कुल सही, पर उसमें एक ड्रॉबैक भी है कि उसमें जिंदा चीज़ों को नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसे हालात में मैं कैप्सूल के अंदर जा सकती तो मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बर्डन नहीं होती। करीफ्ला बड़ी हैरानी से पूछती है कि पर इससे तुम्हारा मतलब क्या है? बुलमा इसके बाद स्माइल करती है। हम देखते हैं कि बुलमा एकदम से ही कैप्सूल को ज़मीन पर फेंक देती है और वो कैप्सूल एकदम से बड़ा होने लग जाता है। हम देखते हैं कि काबा, करीफ्ला और एडमिरल फिनेल तीनों काफ़ी हैरान थे। हम देखते हैं कि एकदम से ही हमारे हीरोज़ के सामने एक बहुत ही बड़ा कैप्सूल होता है जिसके अंदर एक गेट भी है, पर यह किसी तरीके की शिप नहीं है। ये बुलमा के हाथ में जो कैप्सूल था उसी का एक बड़ा वर्जन लग रहा होता है। बुलमा हमारे तीनों हीरोज से बोलती है, ये देखो, टफल रिसर्चर्स की मदद की वजह से मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ इस कैप्सूल के अंदर जाना है, उसके बाद होइपोई कैप्सूल अपना काम करेंगे और उस डिवाइस को छोटा कर देंगे, जिसके बाद इसके अंदर के लिविंग ऑर्गेनिज्म के एटम्स भी उसी हिसाब से छोटे हो जाएंगे। काबा बहुत ही हैरानी से बोलता है कि ये तो कमाल है। बुलमा खुश होकर बोलती है कि बिल्कुल सही कहा, पर अभी और भी बाकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुलमा कैप्सूल के पास जाती है और एकदम से एक केबिन खोलती है। उसके अंदर से वो एक सूटकेस निकालती है। हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर चार स्काउटर होते हैं। बुलमा बोलती है कि ये देखो, ये उन स्काउटर्स की नकल है जो कि मेरे यूनिवर्स के सैन्य इस्तेमाल करते थे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए और अपने ओपोनेंट के पावर लेवल्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसको अपने कान पर पहन लो, जिसके बाद तुम मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे जब मैं कैप्सूल के अंदर चली जाऊँगी। हम देखते हैं कि करीफ्ला स्काउटर पहन चुकी होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों सैयंस और बुलमा सभी स्काउटर पहन चुके होते हैं। इसके बाद बुलमा एक स्माइल के साथ बोलती है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को गुड लक। तुम लोग मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं चाहे तुम लोगों को कितना मर्जी थैंक्स कह लूँ वो भी काफ़ी नहीं होगा। ये सुनते ही काबा और करीफ्ला के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है और हम देखते हैं कि बुलमा इसके बाद कैप्सूल के अंदर जाती है और एकदम से ही वो कैप्सूल चमकने लग जाता है और बहुत ही छोटा सा हो जाता है। इसके बाद काबा उस कैप्सूल के नज़दीक जाता है और उसे उठाता है। तभी हम देखते हैं कि बुलमा स्काउटर की मदद से काबा से बात कर पा रही होती है और काबा एकदम से चौंक जाता है। बुलमा बोलती है कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? काबा एकदम से घबरा के पीछे की तरफ गिर जाता है और बोलता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। और ये बोल के काबा एकदम से हंसता है और पूछता है कि अब आपको कैसा लग रहा है? बुलमा एकदम से हंसती है और बोलती है कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये एक तरीके से एक लग्जरी होटल के रूम की तरह है, मुझे यहाँ पर कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता इसीलिए मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना, अगर मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई आइडिया होगा या फिर कोई रिक्वेस्ट होगी तो उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी। बुलमा की बातें सुनने के बाद काबा कैप्सूल की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है मिसिस बुलमा, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। करीफ्ला इसके बाद बोलती है कि वेजिटा की वाइफ बिल्कुल भी वेजिटा की तरह नहीं है, उसकी क्लास बिल्कुल ही अलग है। एडमिरल फिनेल एकदम से हंसने लग जाती है और इसके बाद काबा बोलता है कि अब हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम में से मिस बुलमा की प्रोटेक्शन का इंचार्ज कौन होगा। तभी एकदम से करीफ्ला चिल्लाती है
काबा क्या तुम सीरियस हो? काबा को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बोलता है कि क्या हुआ। इसके बाद कलीफ्ला काबा का मजाक उड़ाने लग जाती है और बोलती है कि तुम हमेशा ही ये करते रहते हो, मिस्टर वेजिटा ये, मिस्टर वेजिटा वो। कलीफ्ला के नकल उड़ाने पर हम देखते हैं कि एडमिरल फिनेल भी एकदम से हंसने लग जाती है। कलीफ्ला इसके बाद बोलती है कि तुम्हारे हमेशा ही चौकन्ने रहने वाले स्किल्स इसके लिए परफेक्ट हैं। मेरे नन्हे काबा, हम तुम्हें उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंचार्ज बनाते हैं, अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो एटलीस्ट तुम्हारे आइडल की नज़रों में तुम्हारी इज्जत थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। एडमिरल फिनेल इसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो क्या कहना चाहती है। वो बोल रही है कि उसे तुम में पूरा कॉन्फिडेंस है और इसके हिसाब से तुम एक परफेक्ट इंसान हो जो कि लड़ते लड़ते बुलमा को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। भले ही ये तुमसे सीधी बात ना कर रही हो, पर कहीं ना कहीं अंदर ये तुम्हें पसंद करती है। कलीफ्ला एकदम से शर्माने लग जाती है और बोलती है कि अपने काम से काम रखो। काबा हंसते हुए बोलता है कि अगर ये मेरे से अच्छे तरीके से बात करेगी तो इसकी ज़ुबान कट जाएगी। काबा और एडमिरल फिनेल इस बात पर हंसने लग जाते हैं और कलीफ्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद काबा बोलता है, कलीफ्ला एक बारी जब हम इस डीमन को हरा देंगे तो केल के साथ एक बारी फिर से ट्रेनिंग में लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कलीफ्ला और एडमिरल फिनेल एकदम से पावर अप करते हैं। कलीफ्ला बोलती है, एडमिरल फिनेल अब हमारे पास सिर्फ एक काम करने को बचा है। एडमिरल फिनेल बोलती है कि चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और उस इल्यूजनिस्ट यानी कि डीमन को ख़त्म कर देते हैं। कलीफ्ला और काबा अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। कलीफ्ला बोलती है कि मरने की हिम्मत भी मत करना। काबा बोलता है कि तुम भी मरना मत, मैं बुलमा को सेफ्टी तक पहुँचा दूंगा, इसके बाद बाकी सब कुछ तुम पर है। एकदम से ही कलीफ्ला, काबा और एडमिरल फिनेल तीनों सुपर सीन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहाँ से जाने वाले होते हैं। काबा चिल्लाता है, चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बुलमा चिल्लाती है, क्या तुम लोग मेरे से मेरे ओपिनियन के बारे में पूछोगे भी नहीं? काबा घबराते हुए बोलता है कि आखिर क्या हुआ मिस बुलमा? बुलमा बोलती है कि मैंने तुम्हें ये होई पोई कैप्सूल्स के नए वर्जन इसलिए दिखाए थे ताकि तुम्हें मुझे बैटल में बचाना ना पड़े। अगर तुम मुझे लड़ाई से दूर सेफ्टी में ले जाओगे तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिखाया उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। काबा एकदम से इस बारे में सोचने लग जाता है। बुलमा इसके बाद बोलते हैं कि चिंता मत करो काबा, लड़कियों के साथ जाओ और पूरी हिम्मत से लड़ो। वैसे भी मेरी की इस कैप्सूल के अंदर पूरी तरीके से छुपी हुई है और इसके बावजूद भी अगर मेरे छोटे होने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ होता है तो वैसे भी यानी कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। कलीफ्ला और एडमिरल फिनेल दोनों ही काबा की तरफ देखते हैं। कलीफ्ला बोलती है कि क्या हुआ काबा, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है? एडमिरल फिनेल बोलती है कि अगर बुलमा ने अपनी इजाज़त दे ही दी है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा उस डीमन का सामना करने के लिए। काबा बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। कलीफ्ला जैसे ही काबा की ये बात सुनती है एकदम से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काबा, कलीफ्ला और एडमिरल फिनेल तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों ही वापस सलाका की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। कलीफ्ला और काबा दोनों ही अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में होते हैं और एडमिरल फिनेल अपनी सुपर सैयन 1 फॉर्म में होती हैं। इसके बाद हम एमरॉन और वेजिटा की फ़ाइट पर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि एमरॉन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसके चेहरे पर अभी भी हंसी है। एमरॉन बोलता है कि तुम अपनी ब्लू फॉर्म में जितनी ताकत दिखा रहे हो तुम्हारे पास उससे ज़्यादा ताकत है। सही कहा ना? वेजिटा एमरॉन से कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से में बस उसे घूरता रहता है। तभी एमरॉन एक बहुत ही इवल स्माइल के साथ बोलता है कि पर अगर मैं गलत हुआ तो ये एक बहुत ही बुरी बात होगी, इसका मतलब ये होगा कि बुलमा के पास कभी भी सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं था। वेजिटा बोलता है कि अब मैं तुम्हारे फालतू के उकसाने में नहीं आने वाला मूनफेस, मैं इन नौजवान लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो फेल नहीं होने वाले। पर हाँ, मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि तुम सिर्फ़ एक काम चलाओ गॉड होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बोलते हो। चलो अब अपने हाथों को ही इस बात को ख़त्म करने देते हैं, क्या हम शुरू करें? हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी एनर्जी चार्ज कर रहा होता है और उसकी बॉडी लगातार बड़ी होती जा रही होती है। हम देखते हैं कि एमरॉन के चेहरे पर अभी भी वही हंसी होती है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। एमरॉन अपने मन में बोलता है कि काश मुझे पहले पता होता कि मुझे इसके जैसा कोई प्लैनेट सैडाला पे मिलेगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी फाइट हमेशा हमेशा चलती रहे। एकदम से ही वेजिटा कुछ सोचता है, उसे कुछ महसूस हो रहा होता है। वो बोलता है, बुलमा उसकी की मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही? वेजिटा बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। वेजिटा को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसके शरीर में से एनर्जी रिलीज होने लग जाती है क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। पर अभी उसे असल में पता नहीं है कि क्या हुआ है। वो सिर्फ ये जानता है कि बुलमा की उसे महसूस नहीं हो रही, जिसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है। एमरॉन हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, लगता है तुमने भी वो नोटिस कर लिया जो मैंने नोटिस किया था। वेजिटा एकदम शांत हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। एमरॉन हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार वो हो ही गया। हम देखते हैं कि वेजिटा का गुस्से का पारा एकदम से ही फट पड़ता है। हम देखते हैं कि वेजिटा की मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं
जिसकी वजह से उसकी शर्ट भी फट जाती है और वो अटैक करने के लिए एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और एमरॉन बस इसी समय का इंतज़ार कर रहा था जब वेजिटा अपनी सारी ताकत को अनलीश कर दे और उस पर अटैक करने के लिए आए। हम देखते हैं कि किंग सडाला और डोला आमने सामने खड़े होते हैं और किंग सडाला के चारों तरफ लावा गिर रहा होता है जो कि डोला के पिछले अटैक की वजह से था। किंग सडाला इसके बाद बोलते हैं कि दुनिया में काफ़ी सारी कीज लगातार गायब होती जा रही हैं। सबसे पहले मेरे सोल्जर्स जो कि ब्रोली से लड़ रहे थे और उसके बाद पार्सा और अब वेजिटा की वाइफ। हम देखते हैं कि ये बोलते हुए किंग सडाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डोला किंग सडाला की बात को सुन के हंसता है और बोलता है कि यानी कि सफाई अच्छी तरीके से चल रही है। किंग सडाला गुस्से में पावर अप करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी ही गलती है, मुझे फाइट को तभी ज्वाइन कर लेना चाहिए था जब तुमने मेरे पैरेंट पे कदम रखा था। मैंने जल्दी से एक्शंस नहीं लिए जिसकी वजह से बच्चे, सिटीजन्स और मेरे सोल्जर्स सडाला पे मारे जा रहे हैं। डोला किंग सडाला की बात को सुन के एकदम से हंसने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पर फिर भी वो किंग सडाला का मजाक उड़ा रहा है। वो बोलता है कि तुम काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जबकि अब तक तुमने मुझे छुआ भी नहीं है। किंग सडाला बस एक पल के लिए डोला को घूरते हैं और अगले ही पल में हम देखते हैं कि डोला के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है जिसकी वजह से उसके बचे हुए दांत भी टूटने लग जाते हैं और उसके मुँह से बहुत तेज़ी से खून निकलता है। डोला बस हैरानी से किंग सडाला को देख रहा होता है। वो किंग सडाला को एक पंच मारने की कोशिश करता है पर किंग सडाला बहुत ही आराम से बच जाते हैं। वो बोलता है क्या, तभी किंग सडाला डोला के पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। डोला बहुत ज़्यादा शौक में होता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। डोला अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया होता, उसके पेट में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा होता है इसीलिए वो नीचे की तरफ झुकता है। और तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला एकदम से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं और हम देखते हैं कि उनके हाथ में अचानक से ही एक एनर्जी से बनी हुई कुल्हाड़ी आ जाती है। इससे ये बात भी क्लियर है कि किंग सडाला डोला पे ज़रा सा भी रहम नहीं करने वाले। तभी हम देखते हैं कि डोला का एक हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है और एकदम से ही उसके कंधे से खून निकलने लग जाता है। किंग सडाला ने अपनी एनर्जी से बने हुए एक्स का इस्तेमाल किया और डोला के हाथ को काट दिया। डोला बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या, मुझे कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला अपने हाथ को एकदम से डोला के सामने लाते हैं। डोला बिल्कुल शॉक में होता है। किंग सडाला बोलते हैं कि अगर तुम डीमंस अपने अंधेरे में इतनी शांति से रहते हो तो तुम लोगों को हमारी रोशनी को निगलने में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आता है। डोला अपनी इस हालत में भी हंसता है और बोलता है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम बस ऐसे ही हैं, हम डीमंस, हमारा जन्म ही तबाही से हुआ है। अचानक से ही हम देखते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। हम देखते हैं कि डोला का कटा हुआ हाथ एकदम से ही किंग सडाला के पेट में से बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला के पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया है और उसमें से लगातार खून निकल रहा है। किंग सडाला दर्द से कराहते हुए बोलते हैं कि आखिर कैसे, लगता है इसका कोई पोर्टल मेरी बॉडी के अंदर भी है। हम देखते हैं कि किंग सडाला के पेट में से डोला का जो हाथ निकला था वो डोला एकदम से ही पकड़ता है और एकदम से बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि वेरिएबल हेड ने मुझे सिर्फ एक जोकर की तरह अपने पास रखा हुआ है। हम देखते हैं कि किंग सडाला के पेट में इतना बड़ा गड्ढा होने के बावजूद भी किंग सडाला बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। किंग सडाला एकदम से अपने हाथ की तरफ देखने लग जाते हैं और अपनी एनर्जी को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग सडाला का हाथ एकदम से चमकता है और इसके बाद किंग सडाला अपने पेट के उसी गड्ढे की तरफ देख रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो उसी जगह पे एक पंच मारने वाले हैं। पर किंग सडाला अपने पेट में पंच नहीं मारते, वो अपने हाथ को अपने पेट पे रखते हैं और एकदम से हम देखते हैं कि उनका घाव चमकने लग जाता है। डोला बिल्कुल चौंक जाता है और हैरानी से बोलता है क्या उसे दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर किंग सडाला ने अपने पेट के साथ क्या किया था। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने अपने पेट की पूरी स्किन को जला दिया होता है और अपने पेट की स्किन को जला के उन्होंने अपने पेट के घाव को बंद कर दिया होता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं। डोला किंग सडाला से बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। किंग सडाला इसके बाद अपने मन में सोचते हैं, वो बोलते हैं कि लगता है अब समय आ गया है। हम देखते हैं कि किंग सडाला की बॉडी में से एकदम से एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी तरीके की पावर को अनलीश करने वाले हैं। उनकी आंखें भी चमक रही होती हैं। ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे किंग सडाला किसी सप्रेस्ड ताकत को निकालने वाले हैं। डोला हैरानी से उन्हें देख रहा होता है। आखिरकार हमें समझ आने लग जाता है कि किंग सडाला क्या कर रहे हैं और एकदम से ही किंग सडाला चिल्लाते हैं। हम देखते हैं कि पहली बार किंग सडाला ड्रैगन बॉल काकुमी में सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किंग सडाला अपनी बेस फॉर्म में ही डोला को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, तो अब वो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में डोला के साथ क्या करेंगे ये चीज़ देखने वाली होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सलागा और पेपिनो की फाइट पे आते हैं। हम देखते हैं कि पेपिनो ने सलागा की चेस्ट और चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारा होता है
और पेपिनो के टोर्नेडो पंच की वजह से हम देखते हैं कि सलागा की स्किन भी एकदम से ही घूम जाती है। पेपिनो बहुत गुस्से में सलागा को घूर रहा होता है। अटैक का असर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सलागा हंस रहा होता है और बोलता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा डैमेज कैसे दे सकते हो, मुझे तो तुम्हारे अंदर से ज़रा सी भी खतरनाक की महसूस नहीं हो रही है बेवकूफ़ सैयन। पेपिनो कुछ देर शांत रहता है और एकदम से ही अपने बचपन, अपने पेरेंट्स और अपने किंग के बारे में सोचने लग जाता है और एकदम से ही पेपिनो बोलता है कि तुम गलत हो, मैं ना ही एक सैयन हूँ ना ही एक टफल, मैं बस एक बच्चा हूँ जो कि प्लैनेट सडाला पे जन्मा है। हम देखते हैं कि पेपिनो के हाथ अभी भी घूम रहे होते हैं, यानी कि वो अभी भी अपने अटैक मोड में ही है। सलागा एकदम से धीरे से बोलता है कि तुम्हारा कुछ भी कहने का समय अब ख़त्म हो चुका है। पेपिनो एक बार फिर से अटैक करने के लिए सलागा की तरफ बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि सलागा पेपिनो के लिए तैयार था और एकदम से ही वो अपने हाथ को पेपिनो के शरीर के अंदर घुसेड़ देता है। पेपिनो एक बार फिर से बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अचानक से ही कुछ बहुत ही अजीब सा होता है और सलागा बिल्कुल हैरान रह जाता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि सलागा के पीछे पेपिनो बिल्कुल सही सलामत है और वो सलागा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो अपना टोर्नेडो पंच एक बार फिर से सलागा को मारता है और हम देखते हैं कि सलागा एकदम से ही दीवार से जाके टकराता है और वो दीवार को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सलागा कहाँ गया। सलागा इसके बाद फिर से खड़ा होता है। हम देखते हैं कि सलागा बिल्कुल सही सलामत है और उसके चेहरे पर भी स्माइल है और हम देखते हैं कि आखिर पेपिनो ने क्या किया था। हमारे सामने दो पेपिनो होते हैं जिनमें से एक होलोग्राम था जिस पर सलागा ने अटैक किया था और वो अब गायब होने लग जाता है। सलागा बोलता है एक और होलोग्राम, पर उसके अंदर फिर भी हीट और स्मेल आ रही थी, आखिर ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। पेपिनो गुस्से में बोलता है कि लगता है तुम एक मैजिशियन होने के बावजूद भी चीज़ों में लॉजिक बहुत ज़्यादा ढूंढते हो। सलागा एक स्माइल के साथ बोलता है कि मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैं तुमसे काफ़ी कुछ सीखने वाला हूँ पेपिनो। सलागा बोलता है कि पर क्या तुम अपने जितने मर्जी डुप्लीकेट्स बना सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी लाश होगी जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई होगी। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो अपने एक और क्लोन के साथ अटैक करने के लिए सलागा की तरफ बढ़ता है। सलागा अभी अपना अगला अटैक तैयार कर ही रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि पेपिनो उस तक पहुँच जाता है और उसके पेट में एक और टोर्नेडो पंच मार देता है। हम देखते हैं कि सलागा अपने आप को नहीं बचा पाता और पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। पेपिनो इसके बाद सलागा को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम कुछ कह रहे थे। सलागा पेपिनो के अटैक के बाद एकदम से हंसता है और बोलता है कि लगता है मैं समझ गया। सलागा अपने मन में बोलता है कि उसके अटैक्स मुझे छोटा मोटा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पर उसके बाकी सभी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, स्टेमिना और एजिलिटी, वो सब बराबर हैं, मुझे सिर्फ ये करना है। तभी एकदम से पेपिनो चिल्लाता है, क्या आखिर तुम क्या समझ गए हो, वो सब कुछ बकवास है, मेरा ट्वर्लिंग फोर्स अभी फुल स्पीड में भी नहीं है, मुझे सिर्फ एक और अटैक की ज़रूरत है तुम्हें ख़त्म करने के लिए। एकदम से ही हम देखते हैं कि सलागा उड़ता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। पेपिनो बहुत ही हैरानी से बोलता है, क्या तुम वापस जा रहे हो, ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। हम देखते हैं कि सलागा वापस नहीं जा रहा होता, उसके हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बन रहा होता है जो अटैक वो एकदम से ही पेपिनो पे शूट करता है। हम देखते हैं कि ये अटैक जाके अचानक से ही असली पेपिनो को लगता है और पेपिनो एकदम से ही ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमें एक आवाज़ आती है, रिस्ट्रक्चरिंग इन प्रोग्रेस। एकदम से ही पेपिनो फिर से उठने की कोशिश करने लग जाता है और बोलता है कि वो क्या था। सलागा अपने अटैक को आगे की तरफ रखता है और बोलता है कि इस अटैक का नाम था एंटी स्पेस पंच, मैं इस अपने हाई लेवल अटैक को कहता हूँ, शायद अभी तक तुम्हें समझ आ गया होगा। ये अटैक सीधा जाके मेरे ऑब्स्टिकल को लगता है, मेरे ऑब्स्टिकल और मेरे बीच में कितना गैप है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये अटैक इंस्टेंटली लगता है चाहे हम दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो। पेपिनो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो ज़मीन से उठ नहीं पा रहा होता। तभी हम सलागा को देखते हैं। सलागा एक स्माइल के साथ बोलता है कि तो क्या तुम राउंड 2 के लिए तैयार हो। सलागा एकदम से ही बहुत सारे एंटी स्पेस पंचेस को शूट करने लग जाता है और ये सारे के सारे अटैक पेपिनो की तरफ जाने लग जाते हैं। पेपिनो इनमें से किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ये सारे के सारे अटैक डायरेक्टली पेपिनो को लगते हैं। पेपिनो की हालत ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने वाला होता है। सलागा आखिरकार पेपिनो की तरफ जाता है पेपिनो को ख़त्म करने के लिए और उसके हाथ में एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच होता है। ये पंच मारने से पहले सलागा बोलता है कि ये रहा आखिरी पंच इस शो के हाईलाइट के लिए। पर इससे पहले कि सलागा अपने अटैक को पेपिनो पर शूट कर पाता, हम देखते हैं कि एक बहुत ही ताकतवर अटैक आके एकदम से ही सलागा को लगता है और सलागा एकदम से ही साइड में जाके गिर जाता है। सलागा जाके एकदम से एक दीवार से टकराता है। भले ही इस अटैक ने पेपिनो को बचा लिया हो, पर यह अटैक सलागा को मारने के लिए काफ़ी नहीं था। हम देखते हैं कि सलागा एकदम से ही धूल के बीच में से हंसता है और बोलता है कि तुम वापस आ गए,
लगता है तुमने मेरा काम और ज़्यादा आसान बना दिया। हम देखते हैं कि काबा, कलीफला और एडमिरल फिनेल तीनों सलागा से लड़ने के लिए वापस लौट चुके होते हैं। काबा अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में होता है, कलीफला सुपर सैयन 3 फॉर्म में होती है और एडमिरल फिनेल सुपर सैयन फॉर्म में होती हैं। एडमिरल फिनेल ने पेपिनो को पकड़ा हुआ होता है। काबा इसके बाद बोलता है कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हारे जैसे शख्स के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता, तो चलो इस फाइट को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ड्रैगन बॉल काकुमे की मूवी 4 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।